डोंट आई जस्ट वॉन्ट फ्लटेश मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है का उदाहरण है प्रभास की ताजा फिल्म राधे श्याम इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबेने के लिए ज़िम्मेदार हैं एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कन्फ्यूज नजर आए विज्ञान के इस युग में जहां सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है अतार्किक और वैज्ञानिक है जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढा जाती है कहानी उन्नीस में सेट है विक्रमादित्य यानी कि प्रभास को भारत का नास्त्र दमस कहा जाता है क्योंकि वो हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइट तरीके से दिखाया जाता है लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लट करता है शराब पीता है और पप जाता है उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है फिल्म की हेरोइन प्रेरणा यानी कि पूजा हेंगड़े एक डॉक्टर हैं जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है विक्रमादित्य उससे प्लाटिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है यह सुन प्रेरणा के चाचा यानी कि सचिन खेड़कर कर नाराज होते हैं और उसे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करने के लिए कहते हैं भविष्यवाणी सच होती है या नहीं इसके लिए क्लाइमैक्स का इंतज़ार करना पड़ता है फिल्म का पहला घंटा झेलना झेला नहीं जा सकता जिस तरह से करेक्टर्स को एक बेहद एक पेश किया जाता है मनोरंजन के लिए दृश्य रचे गए हैं वो बेहद सतही हैं कहानी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती और लगातार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है एक घंटे बाद ही कहानी आगे बढ़ती है लेकिन दर्शकों को ना कहानी में रुचि रहती है और ना ही स्क्रीन पर चल रहे घटनाक्रमों में राधा कृष्ण कुमार ने पूरी फिल्म को फेयरिटेल की तरह बनाया है हर सीन को खूबसूरत बनाने के चक्कर में वो ये बात भूल गए कि ये कहानी में फिट होता है या नहीं इससे फिल्म अपना प्रभाव तुरंत खो देती है स्क्रीन प्ले में कई गलतियां हैं जब प्रेरणा के बारे में विक्रमादित्य भविष्यवाणी कर देता है कि उसकी मौत अभी नहीं होगी तो प्रेरणा के चाचा प्रेरणा से लड़ते हैं जबकि प्रेरणा को इस भविष्यवाणी से उम्मीद बन जाती है हो ना तो यही चाहिए था भले ही यह बात झूठ साबित हो लेकिन तसली से प्रेरणा का उत्साह बढ़ाया जा सकता है विक्रमादित्य के हाथ में जब लव लाइन है नहीं है तो वो क्यों प्रेरणा से नज़दीकियाँ बढ़ाता है प्यार का लव लाइन से क्या लेना देना यह तो हो जाता है क्योंकि किसी का इस पर बस नहीं चलता विक्रमादित्य अचानक प्रेरणा और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला लेते हैं प्रेरणा को जब विक्रमादित्य का एक अहम राज पता चलता है तो वो इस बारे में उसे क्यों बता नहीं सकती विक्रमादित्य इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे करती हैं क्योंकि कौन सी विद्या उसे प्राप्त है ऐसे कई प्रश्न फिल्म देखते समय दिमाग में कौनते रहते हैं जिनके कोई जवाब नहीं मिल पाते फिल्म के अंत में कर्म को प्रमुखता देते हुए भविष्यवाणी और किस्मत वाली बात को संभालने की कोशिश की गई है लेकिन बात नहीं बनती क्योंकि पंचानबे प्रतिशत फिल्म में तो आप किस्मत और भविष्यवाणी का गुणगान करते रहते हैं निर्देशक के रूप में भी राधा कृष्ण कुमार निराश करते हैं विक्रमादित्य एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर हीरोगिरी करते हुए चलते हैं तो उसे नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ देखते रहते हैं कोई मदद के लिए आगे नहीं आता यानी कि निर्देशक का ध्यान फिल्म को स्टाइलिश बनाने में रहा और वे बेसिक बातें भी भूल गए राधा कृष्ण कुमार का प्रस्तुतिकरण भी दमदार नहीं है दृश्यों को वह सही तरीके से जोड़ नहीं पाए कहने को तो यह लव स्टोरी है लेकिन इसमें इमोशनल नहीं है फिल्म की सिनेमाटीग्राफी लोकेंस कोरियोग्राफी बैकग्राउंड म्यूजिक गाने जबरदस्त हैं तकनीशियनों ने अपने काम में सौ प्रतिशत दिखाया फिल्म आँखों को सुकून देती है कुछ दृश्य बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं लव स्टोरी में प्रभास फिट नहीं लगे जो किरदार उन्होंने निभाया है उससे उनकी उम्र ज़्यादा लगती है जिस तरह की लवर बॉय हरकतें प्रभास से करवाई गई हैं वे उनके व्यक्तित्व पर सूट नहीं होती और उनकी असहजता एक्टिंग में नज़र आती हैं पूजा हेगड़े सुंदर लगी हैं और उनका आत्मविश्वास उनकी एक्टिंग में झलकता है सचिन खेड़ करे का किरदार सही नहीं दिखा गया भाग्यश्री कुड़काल राय कपूर और मुरली शर्मा सहित सपोर्टिंग कास्ट के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है प्रभास का कहना है कि वे अत्यंत सावधानी के साथ स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं लेकिन राधे श्याम जैसी फिल्म उनके रिलेशन पर सवाल खड़ी करती है बॉलीवुड में भी छा गए हैं बाहुबली के बाद तो प्रभास बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं अब प्रभास की फिल्म राधे श्याम आई है सिनेमाई घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई लव स्टोरी राधे श्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में भी बनी है लेकिन इस बार प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई बल्कि हिंदी में भी इस फिल्म को शूट किया गया है ऐसे में हिंदी बेल्ट के प्रभास फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फिल्म की कहानी हाथ की लकीरें पढ़ने वाले विक्रमादित्य और डॉक्टर प्रेरणा यानी कि पूजा हेणके कि विक्रमादित्य के हाथों में प्रेम की रेखाएं नहीं हैं ऐसी उसकी विद्या कहती है ऐसे में प्रेम से बचने वाला विक्रमादित्य प्रेण प्रेरणा के प्या प्यार में गिर जाता है इधर डॉक्टर प्रेरणा एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है जिसके पास दो महीने से ज़्यादा का वक्त भी नहीं है बचा लेकिन विक्रमादित्य का मानना है कि प्रेरणा का मृत्युकाल अभी नहीं है वह लंबी आयु जिएगी अब क्या होगा क्या विक्रमादित्य के हाथों में जो लकीरें हैं नहीं क्या उन लकीरों को वो खुद उकेरेगा या जो मेडिकली प्रूव हो चुका है कि प्रेरणा के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है उसे गलत साबित करते हुए विक्रमादित्य की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और प्रेरणा का जीवन दो महीने से ज़्यादा का होगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एक सौ अट्ठाईस मिनट की इस फिल्म को डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने बनाया है इस फिल्म के कई सीन काफ़ी ढिलाई से बनाए गए हैं स्क्रिप्ट प्रभास की बाकी फिल्मों के मुकाबले बेहद कमज़ोर है पहला भाग फिर भी रफ्तार में दौड़ता है वहीं सेकंड हाफ में फिल्म काफ़ी स्लो हो जाती है इसके अलावा फ़िल्म के गाने और बेहतर हो सकते हैं हालांकि फिल्म के हर स्क्रीन पर प्रभास बेहद स्मार्ट लग रहे हैं वहीं पूजा हैंग हैंगड़े की खूबसूरती पर भी खिलकर प्रभा उभर रही हैं प्रभास और पूजा एक्टिंग के मामले में भी जमकर कमाल कर रहे हैं लेकिन डायलॉग्स और फिल्म ने अगर आप प्रभास के फैन हैं और पूजा हैंगड़े के साथ उन्हें फैंस में रोमांस करते देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म आपके लिए नहीं तो उन जिनको रोमांटिक फिल्मों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है यह फिल्म उनके लिए पकाऊ साबित हो सकती है अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल राधे श्याम की कहानी सबसे कमज़ोर कड़ी है साथ ही हर दृश्य को यहाँ इतना सजाया गया है कि बनावटी लगने लगता है प्रभास और पूजा हेगड़े के रोमांस में असर नहीं दिखता अमेरिकी लेखक टॉम कलेन की बेस्ट सेलर किताब ने एक परसेंट फार्मूला यह जीवन में एक फ़ीसदी का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही एक फ़ीसदी एक ताकत कई बार निन्यानबे फीसदी के पलड़े पर भारी पड़ जाती है मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है फिल्म में हीरो इंडिया का नस्त्रदशम में वो जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वो कभी नहीं बदलता लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वो देश में इमरजेंसी लगाने वाली हैं इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है वह यूरोप में निकल जाता है राधे श्याम पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है इसका एक ज्योतिष किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है उसे समझा समझने और समझाने की कोशिश ना हो ना कि उसका विरोध किया जाए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो एक ज्योतिष को मानते हैं दूसरे विज्ञान को मानते हैं और दूसरे लोग जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष का भी चौंका देता है फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक रोम यानी कि इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती पूजा हेंगड़े को असाध्य ब्रेन ट्यूमर और ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की साँसें उसके खाते में हैं प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा यानी कि सचिन खेड़कर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार कर चुका है मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी कि प्रभास से होती है आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है वो दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है कि उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है इसीलिए वह लड़कियों से फिर फ्लड करता है जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह मन ही मन उसे चाहने लगी है इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड ला, लाएगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही है राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है डब नहीं है यह तेलुगु में भी समांतर बनाई गई है राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह बनाया और सजाया गया है इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहज कर रखा गया है उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की राड जगमगाती है यह तमाम सौंदर्य इतना शिथिर दिखता है कि उसके मुर्दा होने का आभास होता है इस लिहाजा इसे पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है जो आंखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते पूजा हेंगड़े सुंदर दिखी हैं सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत में हैं लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है लेकिन एक फ़ीसदी की गुंजाइश भी है यह गुंजाइश किसी भी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा हो सकती है जो खुद अपने हाथों से जीवन रथ के पहिए मोड़ देते हैं असल में यही वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के संवाद गूंजता है किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं तुम्हारे कर्मों का नतीजा है राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बखैर देखते भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है राधे श्याम दो तीन दशक पुरानी प्रेम कहानी जैसी मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया है तो उसका रोमांस बढ़ सकता था फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बद्र का यह शेर याद आता है कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है बड़े बजट की फिल्मों का जमाना है और कोशिश सबकी यही है कि सिनेमाई घरों तक दर्शकों को फिर से लेकर आना है साल 2018 में शुरू हुई फिल्म राधे श्याम को लेकर इसे बनाने वाले का दावा भी सिनेमाई घरों में एक ऐसा दृश्य भव्य प्रभाव पैदा करने का रहा है जो भारतीय सिनेमा के लिए अब तक अनदेखा है तीन सौ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए के बजट में बनी बताई जा रही फिल्म राधे श्याम के यूरोप के एक मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ की प्रेम कहानी से प्रेरित दिखती है हालांकि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वालों के देश में यह फिल्म सामुदायिक शास्त्र की एक ऐसी लोकप्रिय परंपरा को आगे बढ़ाती देखती है जिसकी तरह हाल के वर्षों में युवा पीढ़ी का ध्यान कम ही गया है प्रभास की बाहुबली सीरीज की फिल्मों में से नहीं ऐसी अखिल भारतीय फिल्मों की तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जो सिर्फ़ कथ्य से नहीं बल्कि अपने प्रस्तुतिकरण से भी चौंकाती है फिल्म राधे श्याम दर्शकों को चौंकाने का दमखम रखने वाले सिनेमा की नई कड़ी है इस फिल्म से अभिनेता प्रभास की भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता का इम्तिहान होने वाला है हाथ देकर लोगों का भविष्य बताने वाले कभी बड़े शहरों के व्यस्ततम बाजारों में फुटपाथों पर भी अक्सर दिखाया करते थे देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ जिन लोकप्रिय व्यवसायियों का लोक से विलोप होना शुरू हुआ उनमें से हस्तरेखा ज्ञान भी शामिल है फिल्म राधे श्याम की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे हाथ की लकीरों में आना वाला संसार दिखता है वो एक भारतीय परंपरा का विशिष्ट वाहक है और विदेश में उसका अपना सितारा काफ़ी बुलंद है फिर उसे मिलती है प्रेरणा भावों के भी और अनुभूतियों की भी प्रेरणा उसे आकर्षित करती है दोनों की जुगलबंदी बनने में समय लगता है उनके हाथों की लकीरें एक पाई गई हैं चलते हुए जीवन के दो अलग अलग ध्रुवों पर निकल जाएंगी इसी उधेड़बुन में फिल्म राधेश्याम की कहानी दर्शकों को बांधने की कोशिश करती चलती है निर्देशक राधा कृष्ण कुमार मूल रूप से कलम के धनी हैं तेलुगु फिल्मों के संवाद लिखने के दौरान ही उन पर अभिनेता गोपी चंद का विश्वास बना बतौर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने सात साल पहले अपनी पहली फिल्म बनाई जिल इस फिल्म के निर्माताओं ने ही फिल्म राधे श्याम में राधा कृष्ण कुमार पर बड़ा दांव लगाया बाहुबली की शूटिंग के दौरान प्रभास जब एक्शन फिल्मों से हटकर कुछ रोमांटिक सा कुछ हल्का फुल्का सा करने के मूड में थे तो उन्हें राधे श्याम की कहानी सुनने को मिली राधा कृष्ण कुमार ने कुछ कुछ चर्चित लेखक के विजेंद्र प्रसाद के सूत्र अपनी इस नई फिल्म को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो किरदार से पहले उसके आसपास का वातावरण रचते हैं लेकिन विजेंद्र प्रसाद की खूबी यह है कि वातावरण उनके सभी किरदारों की कलाकारी का मंच तैयार करते हैं फिल्म राधे श्याम में राधा कृष्ण कुमार की रची दुनिया से उनके सभी कलाकार एक रूप में नहीं हो पाते वो स्पेशल इफेक्ट्स से पर्दे पर चकाचौंध तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन इस चकाचौंध में फिल्म के सहयोगी कलाकार बार बार धूमिल होते रहते हैं हाँ फिल्म के हीरो प्रभास के किरदार विक्रमादित्य पर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने खासी मेहनत की है प्रभास भी अपनी रोमांटिक छवि गढ़ने की यहाँ पूरी कोशिश करते दिखे हैं फिल्म में हास्य और उल्लास प्रस्तुत करने वाले दृश्यों में वो काफ़ी सहज भी बन पड़े हैं प्रभाष की कदकाठी सामान्य नहीं है उनका ढील ढोल देवी है उनके हाव भाव और उनकी देह भाषा भी किसी बा बलशाली पुरुष का भाल देती है ऐसे में उन्हें पूजा हेगड़े जैसे नाजुक के प्रेमी के तौर पर देखने हिंदी दर्शकों के लिए मेहनत का काम है फिल्म देखते हुए मन को बार बार समझना होता है कि पर्दे पर दिख रहा कलाकार महिष्मति का बाहुबली नहीं वो आदि पुरुष का राम भी नहीं वो विक्रमादित्य है इसे समझने में ही फिल्म का आधा हिस्सा चला जाता है पर्दे पर बदलती बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ मध्यांतर तक आते आते फिल्म की कहानी समय पर आती है समुद्र के विकराल रूप को पर्दे पर देखने से दर्शक विकसित और विषमत हो भी जाते हैं पर दर्शकों को ये कहानी असली सी नहीं लगती यही फिल्म राधेश्याम की सबसे बड़ी कमजोरी भी है प्रभास की मेहनत फिल्म में साफ दिखती है वो अपना असर छोड़ने में भी कामयाब हैं लेकिन पूजा हेगड़े एक बार फिर बड़ा मौका मिलने के बावजूद चूक गई हैं नए राम दृश्यों के बीच वो अपने चरित्र की मनोभावनाएं उजागर करने में चूकती हैं सितारों के सहारे टेंगी एक प्रेम कहानी में जिस आवेग और उद्देग की जरूरत उनके अभिनय में की थी उनका संवेग उनके अभिनय से गायब है फिल्म की दूसरी कमजोर कड़ी इसके सहायक कलाकारों में सचिन खेड़कर व मुरली शर्मा को छोड़कर दूसरे कलाकारों को बेहतर मौका ना मिल पाना रहा है कहानी के हिसाब से उनके किरदार ढंग से नहीं गढ़े गए हैं भागश्री से बड़े पर्दे पर वापसी पर इसे कहीं बेहतर करने की उम्मीद पर हिंदी सिनेमा को हो रही है फिल्म के हिंदी संस्करण के संगीत को छोड़ दें तो फिल्म राधेश्याम की बाकी तकनीकी टीम बहुत कमाल की है सिनेमाटीग्राफर मनोज परमहंस ने पर्दे पर एक अद्भुत कल्पना लोक रचने में कामयाबी हासिल की है यूरोप की ए अब तक की सबसे कलाकारी भारी पर्टर्न सोरील भी दिखती है उनका कैमरा कहानी के साथ चलता है वह भले दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ने में ज़्यादा सफल ना रहा हो लेकिन अपने निर्देशक की कल्पना को पर्दे पर उतारने में उनका कैमरा सिनेमा के कैनवास पर कूची सा फिसलता चला है कोटागिरी बेंकेटोसर राव ने फिल्म के संपादन में अपना कौशल फिर से दिखाया है वो दक्षिण के सबसे काबिल फिल्म संपादकों में शुमार हैं उनका संपादन फिल्म को गति प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफल भी है इस थामन का पर्स संगीत इसके तेलुगु संस्करण के हिसाब से और हिंदी भाषी दर्शकों की संगीत रुचि के अनुसार वांछित प्रभाव पैदा नहीं कर पाता राधेश्यामी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है यह फिल्म 1976 के आसपास की कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज अपने शिष्य विक्रमादित्य पैन इंडिया फिल्में इन दिनों सफलता का नया फार्मूला बन गई हैं राधे श्याम की रिलीज भी इसी फार्मूले को भुनाने वाली थी फिल्म का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास की मौजूदगी है भव्यता से भरे दृश्यों की भरमार है लेकिन यह सब भव्यता साथ मिलकर भी फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाई क्योंकि कहानी बहुत खोखली सी है राधे श्याम की पीरियड ड्रामा फिल्म 1976 के आसपास कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज और अपने शिष्य विक्रमादित्य प्रभास के बारे में सभी को बताते हैं कि वो एक प्रसिद्ध ज्योतिष है जिसे भारत का नास्त्रेदमस कहा जाता है वह लोगों की हाथों की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वह बताता है कि वो भारत में भविष्य में आपातकाल लगा देंगी कहानी इतन, फिर इटली चली जाती है विक्रमादित्य का मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो सौ प्रतिशत सही होता है दूसरी ओर उसके गुरु परमहंस यानी कि कृष्णम राजू की अलग सोच है उन्हें लगता है कि ज्योतिष निन्यानवे परसेंट तक भविष्यवाणी कर सकती है सौ परसेंट नहीं परमहंस का सोचना है कि एक परसेंट लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं और इतिहास रचते हैं लेकिन विक्रमादित्य इन बातों को नहीं मानते इटली में विक्रमादित्य की एक ट्रेन में प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े से मुलाकात होती है और पहली नज़र वाला प्यार भी हो जाता है वो एक डॉक्टर हैं लेकिन एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं विक्रमादित्य ने उसकी हथेली हाँ को देखता है और भविष्यवाणी करता है कि उसकी उम्र सौ साल की है लेकिन विक्रमादित्य प्रेरणा से प्यार करने के बावजूद उससे दूर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वह प्रेरणा से क्या छुपा रहा है प्यार और किस्मत में किसकी जीत होगी यह आगे की कहानी है कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो सेकंड हाफ़ में खुलता है फिल्म की सबसे खड़ी खामी यह है कि इसकी कहानी जो पर्दे पर इस तरह आती है कि उसमें विश्वसनीय जैसा कुछ भी नहीं लगता सब कुछ खोखला सा लगता है लगभग ढाई घंटे की यह फिल्म कुछ समय के बाद बोरिंग लगने लगती है यह कहा कहानी गलत ना होगा निर्देशक कहना क्या चाहते हैं वो कन्फ्यूज हैं यह बात फिल्म को देखते हुए शिदत से महसूस होती है कहानी में भाग्य और इंसानी जज्बात और जज्बे के बीच का जो द्वंद है उसे दर्शाने और स्थापित करने के लिए अधिक घटनाएं या परिस्थिति कहानी में जोड़ने की जरूरत थी सब कुछ ऊपरी सा लगता है फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रभावहीन रहा फिल्म में अभिनय की बात करें तो अब तक प्रभास हिंदी दर्शकों से लार्जर देने लाइव अवतार में ही नज़र आए और इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और उनकी कोशिश फिल्म में नज़र भी आई है पूजा हेगड़े भी अपने अपने किरदार में जची हैं लेकिन पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल गायब सी है जो किसी भी रोमांटिक फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत होती है फिल्म में इन्हीं दोनों किरदारों पर फोकस है बाकी के किरदारों की कहानी में महत्व ही नहीं दिया गया है मुरली शर्मा कुणाल कपूर राय भाग्यश्री को करने के लिए फिल्म में कुछ खास नहीं था फिल्म के गीत संगीत पैन इंडिया की दूसरी फिल्मों की तरह वो भी रीजनल अंदाज में हैं गानों की पिक्चराइजेशन जरूर अच्छी बन पड़ी है लेकिन वो प्रभावित नहीं करता यही बात फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी कही जा सकती है फिल्म की यू इसका विजुअल इफेक्ट्स है सिनेमाटोग्राफी के लिहाजा से यह फिल्म बेहद खास है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है फिल्म के संवाद कहानी के अनुरूप हैं कुल मिलाकर यह फिल्म इस बात को फिर से साबित करती है कि बजट से ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट किसी फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत होती है कई बार फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं बजट के नाम पर नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं प्रमोशन भी ऐसे किया जाता है कि आज से पहले अपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा लगाया तो मतलब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी बीएफएक्स एफ एक्स सुपर से भी सुपर हो जाएगी प्रभास को जो नई फिल्म है राधे श्याम उसको लेकर भी ये सब कहा गया था रिलीज़ तो पहले साल होनी थी लेकिन कोरोना ने लेट कर दिया अब 350 करोड़ के बजट में बनी डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार की राधे श्याम रिलीज हो गई है तो देखना तो बस ये है कि 350 करोड़ रुपये मेकर्स ने आखिर खर्च कहां पर किए हैं और क्या ऐसा कुछ कमाल किया है कि इस फिल्म ने कि इस, इसको सालों तक याद रखा जाए आइए जानते हैं राधे श्याम उन दो प्यार करने वालों की कहानी है जिसे हाथ की लकीर शायद कभी ना मिलने ना दे जिसे किस्मत हमेशा एक दूसरे से अलग करने की साजिश करे एक विक्रम आदित्य प्रभास और उसका प्यार है प्रेणा पूजा हेंगड़े विक्रम हाथों की लकीर देखकर भविष्य बता देता है फिल्म ने कई बार हमें बताया है कि इनसे सटीक भविष्य आज तक किसी ने नहीं बताया है ये जनाब तो पहले से ही जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसी भविष्य जानने वाली शक्ति ने विक्रम को बता दिया कि उसकी जिंदगी में प्यार ही है ही नहीं फ्लड कर सकता है लेकिन किसी से प्यार नहीं कर पाएगा दूसरी तरफ खड़ी है प्रेरणा पैसे से डॉक्टर है अब इन हाथ की लकीरों में कोई विश्वास नहीं जताती है यही है पूरी फिल्म का फ्लड एक हाथ की लकीरों को ज़िंदगी की सच्चाई मानकर चलता है तो दूसरी तरफ सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास जताता है बीच में भी आई कई घटनाएं होती हैं दोनों प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन फंडा वही है एक लकीर के चक्कर में उस प्यार को समझ नहीं पाता तो दूसरा उस प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है अब हाथ की लकीर सच निकलती हैं या प्रेरणा के कर्मों पर विश्वास दो प्यार करने वालों क्या साथ आ पाते हैं या नहीं विक्रम की भविष्यवाणी सच होती है या गलत इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे राधे श्याम मूवी सिर्फ बड़े बजट से कुछ नहीं होता थोड़ा फ्लैक्स बैक में चलते हैं साल 2017 में प्रभास की फिल्म आई थी साहो बजट था 350 करोड़ वही जो राधे श्याम का भी है उस फिल्म को लेकर कहा गया था कि ऐसा एक्शन है कि कभी पहले आपने नहीं देखा होगा लेकिन एंड रिजल्ट किया था फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई लोगों ने निष्कर्ष निकाला इसे कहते हैं पैसे में आग लगाना अब प्रेजेंट में आते हैं राधे श्याम भी मेकर्स ने बड़े ही अच्छे से सजाया है सारा पैसा या तो सेट पर खर्च किया गया और जो बचा है वो बी एफ एक्स में लग गया है लेकिन दर्शकों का क्या मिला सिर्फ बोरियत बिना कहानी वाली एक बेमेल केमिस्ट्री बिना पैर वाला एक बी एफ एक्स जिसको मेकर्स भी जस्टिफाई नहीं कर पाए मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी आंखें तरस जाएंगी सिर्फ यह देखने के लिए कि ये कहानी क्या है स्क्रीन पर तो काफ़ी कुछ हो रहा है कभी ट्रेन में प्रवास रोमांस कर रहे हैं कभी अस्पताल में डॉक्टर बनी पूजा रोमांटिक हो रही हैं लेकिन इस सब का लिंक किया है किसी को नहीं पता शायद मेकर्स भी कनेक्ट करना भूल गए हैं पहला हाफ फिल्म को स्लो है सिर्फ इतना बताया गया है कि विक्रम इंडिया के नंबर वन प्लामिस्ट हैं कुछ लोग उनसे भविष्य पूछने आते हैं इंदिरा गांधी भी हैरान मत होइए ये फिल्म ही ऐसी है यहाँ सब कुछ दिखाया गया है फिल्म का जब दूसरा हाफ आता है कहानी जो स्लो चल रही थी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है स्लो के साथ उदासी वाला फैक्टर भी जुड़ जाता है मतलब दर्शकों के लिए कुर्सी पर बैठे रहना मुश्किल हो सकता है प्रभास ने किया निराश पूजा बेदम चलिए एक्टिंग की भी बात कर लेते हैं आखिरकार 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं एक ही एक्सप्रेशन एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई है बड़ी बात यह है कि उनकी हिंदी वाली डबिंग भी खुद की गई है आप वैसे तो इस डिडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए लेकिन फिल्म के लिहाजा से ज़बरदस्त नुकसान भी हुआ है प्रभास के हिंदी संवाद काफ़ी सपाट हैं कोई फील फीलिंग नहीं कोई इंसेटिंग नहीं सिर्फ बोल दिए गए हैं पूजा हेगड़े राधे श्याम की रीड एक्ट्रेस हैं उनका काम भी औसत ही रहा है हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफ़ी बेहतर हैं लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा रंग नहीं लाई है मेकर्स ने कोशिश पूरी की एक लार्जर दैन लाइफ प्रेम कहानी बनाने की लेकिन एक बार भी कोई कनेक्ट फील नहीं हुआ वो वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी हैं भागश्री सचिन खेड़कर और जगपति बाबू लेकिन किसी का भी करेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया सेंस भी नहीं बना राधे श्याम मूवी में कहाँ कर गए सबसे बड़ी चूक राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं है लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना ये सब काफ़ी खटकता है फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में कई साल लग गए हैं उन की कई कई सालों ने इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही वास्तुकता भी कोसों दूर गई है इस कमज़ोर कहानी का असर उन्होंने लेकिन क्योंकि कहानी भी दम नहीं है इसीलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता वैसे राधा श्याम में कुछ अच्छे गाने जरूर सुनने को मिल जाएंगे लेकिन राधे श्याम इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबेने के लिए ज़िम्मेदार हैं एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नजर आए विज्ञान के इस युग में जहां सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं वहीं यह है। फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है फिल्म की प्लाट ही आत अतार्किक और वैज्ञानिक है जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढा जाती है कहानी 1976 में सेट है विक्रमादित्य यानी कि प्रभास को भारत का भारत का नास्त्र दमस कहा जाता है क्योंकि वो हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइट तरीके से दिखाया जाता है लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लट करता है शराब पीता है और पब जाता है उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है फिल्म की हेरोइन प्रेरणा यानी कि पूजा हेंगड़े एक डॉक्टर हैं जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है विक्रमादित्य उससे प्लाटिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है यह सुन प्रेरणा के चाचा यानी कि सचिन खेड़ कर नाराज होते हैं और उसे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करने के लिए कहते हैं भविष्यवाणी सच होती है या नहीं इसके लिए क्लाइमैक्स का इंतज़ार करना पड़ता है फिल्म का पहला घंटा झेलना झेला नहीं जा सकता जिस तरह से करेक्टर्स को एक बेहद एक पेश किया जाता है मनोरंजन के लिए दृश्य रचे गए हैं वो बेहद सतही हैं कहानी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती और लगातार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है एक घंटे बाद ही कहानी आगे बढ़ती है लेकिन दर्शकों को ना कहानी में रुचि रहती है और ना ही स्क्रीन पर चल रहे घटनाक्रमों में कृष्ण कुमार ने पूरी फिल्म को फे की तरह बनाया है हर सीन को खूबसूरत बनाने के चक्कर में वो ये बात भूल गए कि ये कहानी में फिट होता है या नहीं इससे फिल्म अपना प्रभाव तुरंत खो देती है ये स्क्रीन प्ले में कई गलतियां हैं जब प्रेरणा के बारे में विक्रमादित्य भविष्यवाणी कर देता है कि उसकी मौत अभी नहीं होगी तो प्रेरणा के चाचा प्रेरणा से लड़ते हैं जबकि प्रेरणा को इस भविष्यवाणी से उम्मीद बन जाती है हो ना तो यही चाहिए था भले ही यह बात झूठ साबित हो लेकिन तसल्ली से प्रेरणा का उत्साह बढ़ाया जा सकता है विक्रमादित्य के हाथ में जब लव लाइन है नहीं है तो वो क्यों प्रेरणा से नज़दीकियाँ बढ़ाता है प्यार का लव लाइन से क्या लेना देना यह तो हो जाता है क्योंकि किसी का इस पर बस नहीं चलता विक्रमादित्य अचानक प्रेरणा और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला लेते हैं प्रेरणा को जब विक्रमादित्य का एक अहम राज पता चलता है तो वो इस बारे में उसे क्यों बता नहीं सकती विक्रमादित्य इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे करती हैं क्योंकि कौन सी विद्या उसे प्राप्त है ऐसे कई प्रश्न फिल्म देखते समय दिमाग में कौनते रहते हैं जिनके कोई जवाब नहीं मिल पाते फिल्म के अंत में कर्म को प्रमुखता देते हुए भविष्यवाणी और किस्मत वाली बात को संभालने की कोशिश की गई है लेकिन बात नहीं बनती क्योंकि पंचानबे प्रतिशत फिल्म में तो आप किस्मत और भविष्यवाणी का गुणगान करते रहते हैं निर्देशक के रूप में भी राधा कृष्ण कुमार निराश करते हैं विक्रमादित्य एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर हीरोगिरी करते हुए चलते हैं तो उसे नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ देखते रहते हैं कोई मदद के लिए आगे नहीं आता यानी कि निर्देशक का ध्यान फिल्म को स्टाइलिश बनाने में रहा और वे बेसिक बातें भी भूल गए राधा कृष्ण कुमार का प्रस्तुतिकरण भी दमदार नहीं है दृश्यों को वह सही तरीके से जोड़ नहीं पाए कहने को तो यह लव स्टोरी है लेकिन इसमें इमोशनल नहीं है फिल्म की सिनेमाटीग्राफी लोकेंस कोरियोग्राफी बैकग्राउंड म्यूजिक गाने जबरदस्त हैं तकनीशियनों ने अपने काम में सौ प्रतिशत दिखाया फिल्म आँखों को सुकून देती है कुछ दृश्य बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं लव स्टोरी में प्रभास फिट नहीं लगे जो किरदार उन्होंने निभाया है उससे उनकी उम्र ज़्यादा लगती है जिस तरह की लवर बॉय हरकतें प्रभास से करवाई गई हैं वे उनके व्यक्तित्व पर सूट नहीं होती और उनकी असहजता एक्टिंग में नज़र आती हैं पूजा हेगड़े सुंदर लगी हैं और उनका आत्मविश्वास उनकी एक्टिंग में झलकता है सचिन खेड़ करे का किरदार सही नहीं दिखा गया भाग्यश्री कुड़काल राय कपूर और मुरली शर्मा सहित सपोर्टिंग कास्ट के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है प्रभास का कहना है कि वे अत्यंत सावधानी के साथ स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं लेकिन राधे श्याम जैसी फिल्म उनके रिलेशन पर सवाल खड़ी करती है इस फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार और इसके निर्देशक हैं राधा कृष्ण कुमार और संगीतकार हैं मिथुन अमाल मलिक और कलाकार हैं प्रभास पूजा हेंगडे सचिन खेड़कर और आदित्य राय कपूर भाग्यश्री जब हाथों में नहीं प्रेम की लकीर तो कैसे बनेगी राधे श्याम की लव स्टोरी मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच की जंग दिखती है इस फिल्म में सिनेमाई घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई लव स्टोरी राधे श्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में बनी है लेकिन इस प्रकार प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई बल्कि हिंदी में भी इस फिल्म को शूट किया गया है सुपरस्टार प्रभास साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म देने के बाद बॉलीवुड में भी छा गए हैं बाहुबली के बाद तो प्रभास बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं अब प्रभास की फिल्म राधे श्याम आई है सिनेमाई घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई लव स्टोरी राधे श्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में भी बनी है लेकिन इस बार प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई बल्कि हिंदी में भी इस फिल्म को शूट किया गया है ऐसे में हिंदी बेल्ट के प्रभास फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फिल्म की कहानी हाथ की लकीरें पढ़ने वाले विक्रमादित्य और डॉक्टर प्रेरणा यानी कि पूजा के कि विक्रमादित्य के हाथों में प्रेम की रेखाएं नहीं हैं ऐसी उसकी विद्या कहती है ऐसे में प्रेम से बचने वाला विक्रमादित्य प्रेण प्रेरणा के प्या प्यार में गिर जाता है इधर डॉक्टर प्रेरणा एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है जिसके पास दो महीने से ज़्यादा का वक्त भी नहीं है बचा लेकिन विक्रमादित्य का मानना है कि प्रेरणा का मृत्युकाल अभी नहीं है वो लंबी आयु जिएगी अब क्या होगा क्या विक्रमादित्य के हाथों में जो लकीरें हैं नहीं क्या उन लकीरों को वो खुद उकेरेगा या जो मेडिकली प्रूव हो चुका है कि प्रेरणा के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है उसे गलत साबित करते हुए विक्रमादित्य की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और प्रेरणा का जीवन दो महीने से ज़्यादा का होगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एक सौ अट्ठाईस मिनट किए गए हैं स्क्रिप्ट प्रभास की बाकी फिल्मों के मुकाबले बेहद कमज़ोर है पहला भाग फिर भी रफ्तार में दौड़ता है वहीं सेकंड हाफ में फिल्म काफ़ी स्लो हो जाती है इसके अलावा फिल्म के गाने और बेहतर हो सकते हैं हालांकि फिल्म के हर स्क्रीन पर प्रभास बेहद स्मार्ट लग रहे हैं वहीं पूजा हैंगड़े हेंग, की खूबसूरती पर भी खिलकर प्रभा उभर रही हैं प्रभास और पूजा एक्टिंग के मामले में भी जमकर कमाल कर रहे हैं लेकिन डायलॉग्स और फिल्म ने अगर आप प्रभास के फैन हैं और पूजा हेगड़े के साथ उन्हें फ़ैंस में रोमांस करते देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं तो उन जिनको रोमांटिक फिल्मों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है यह फिल्म उनके लिए पकाऊ साबित हो सकती है अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल राधे श्याम की कहानी सबसे कमज़ोर कड़ी है साथ ही हर दृश्य को यहाँ इतना सजाया गया है कि बनावटी लगने लगता है प्रभास और पूजा हेगड़े के रोमांस में असर नहीं दिखता अमेरिकी लेखक टॉम कलेन की बेस्ट सेलर किताब ने एक परसेंट फार्मूला यह जीवन में एक फीसदी का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही एक फ़ीसदी एक ताकत कई बार निन्यानबे फ़ीसदी के पलड़े पर भारी पड़ जाती है मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है फिल्म में हीरो इंडिया का नस्त्रदशम में वो जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वो कभी नहीं बदलता लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वो देश में इमरजेंसी लगाने वाली हैं इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है वह यूरोप में निकल जाता है राधे श्याम पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है इसका एक ज्योतिष किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है उसे समझा समझने और समझाने की कोशिश ना हो ना कि उसका विरोध किया जाए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो एक ज्योतिष को मानते हैं दूसरे विज्ञान को मानते हैं और दूसरे लोग जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष का भी देता है फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक रोम यानी कि इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती पूजा हेंगड़े को असाध्य ब्रेन ट्यूमर और ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की साँसें उसके खाते में हैं प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा यानी कि सचिन खेड़कर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार कर चुका है मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी कि प्रभास से होती है आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है वो दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है कि उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है इसीलिए वह लड़कियों से फिर फ्लर्ट करता है जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह मन ही मन उसे चाहने लगी है इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ ला, लाएगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही है राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है डब नहीं है यह तेलुगु में भी समांतर बनाई गई है राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह बनाया और सजाया गया है इसमें एक एक चीज को बहुत सजाकर सहज कर रखा गया है उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की राड जगमगाती है यह तमाम सौंदर्य इतना शिथिर दिखता है कि उसके मुर्दा होने का आभास होता है इस लिहाजा इसे पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है जो आंखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते पूजा हेंगड़े सुंदर दिखी हैं सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत में हैं लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है लेकिन एक फ़ीसदी की गुंजाइश भी है यह गुंजाइश किसी भी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा हो सकती है जो खुद अपने हाथों से जीवन रथ के पहिए मोड़ देते हैं असल में यही वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के संवाद गूंजता है किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं तुम्हारे कर्मों का नतीजा है राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बखैर देखते भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है राधे श्याम दो तीन दशक पुरानी प्रेम कहानी जैसी मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया है तो उसका रोमांस बढ़ सकता था फिल्म ख़त्म होते होते डॉक्टर बशीर बद्र का यह शेर याद आता है कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है बड़े बजट की फिल्मों का जमाना है और कोशिश सबकी यही है कि सिनेमाई घरों तक दर्शकों को फिर से लेकर आना है साल 2018 में शुरू हुई फिल्म राधे श्याम को लेकर इसे बनाने वाले का दावा भी सिनेमाई घरों में एक ऐसा दृश्य भव्य प्रभाव पैदा करने का रहा है जो भारतीय सिनेमा के लिए अब तक अनदेखा है तीन सौ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए के बजट में बनी बताई जा रही फिल्म राधे श्याम के यूरोप के एक मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ की प्रेम कहानी से प्रेरित दिखती है हालांकि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वालों के देश में यह फिल्म सामुदायिक शास्त्र की एक ऐसी लोकप्रिय परंपरा को आगे बढ़ाती देखती है जिसकी तरह हाल के वर्षों में युवा पीढ़ी का ध्यान कम ही गया है प्रभास की बाहुबली सीरीज़ की फिल्मों में से नहीं ऐसी अखिल भारतीय फिल्मों की तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जो सिर्फ कथ्य से नहीं बल्कि अपने प्रस्तुतिकरण से भी चौंकाती है फिल्म राधे श्याम दर्शकों को चौंकाने का दमखम रखने वाले सिनेमा की नई कड़ी है इस फिल्म से अभिनेता प्रभास की भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता का इम्तिहान होने वाला है हाथ देकर लोगों का भविष्य बताने वाले कभी बड़े शहरों के व्यस्ततम बाज़ारों में फुटपाथों पर भी अक्सर दिखाया करते थे देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ जिन लोकप्रिय व्यवसायियों का लोक से विलोप होना शुरू हुआ उनमें से हस्तरेखा ज्ञान भी शामिल है फिल्म राधे श्याम की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे हाथ की लकीरों में आना वाला संसार दिखता है वो एक भारतीय परंपरा का विशिष्ट वाहक है और विदेश में उसका अपना सितारा काफ़ी बुलंद है फिर उसे मिलती है प्रेरणा भावों के भी और अनुभूतियों की भी प्रेरणा उसे आकर्षित करती है दोनों की जुगलबंदी बनने में समय लगता है उनके हाथों की लकीरें एक पाई गई हैं चलते हुए जीवन के दो अलग अलग ध्रुवों पर निकल जाएंगी इसी बुन में फिल्म श्याम की कहानी दर्शकों को बांधने की कोशिश करती चलती है निर्देशक राधाकृष्ण कुमार मूल रूप से कलम के धनी हैं तेलुगु फिल्मों के संवाद लिखने के दौरान ही उन पर अभिनेता गोपी चंद का विश्वास बना बतौर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने सात साल पहले अपनी पहली फिल्म बनाई। जिल इस फिल्म फिल्म बनाई इस के निर्माताओं ने ही राधे श्याम राधा कृष्ण कुमार पर बड़ा दांव लगाया बाहुबली की शूटिंग के दौरान प्रभास जब एक्शन फिल्मों से हटकर कुछ रोमांटिक सा कुछ हल्का फुल्का सा करने के मूड में थे तो उन्हें राधे श्याम की कहानी सुनने को मिली राधा कृष्ण कुमार ने कुछ कुछ चर्चित लेखक के विजेंद्र प्रसाद के सूत्र अपनी इस नई फिल्म को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो किरदार से पहले उसके आसपास का वातावरण रचते हैं लेकिन विजेंद्र प्रसाद की खूबी यह है कि वातावरण उनके सभी किरदारों की कलाकारी का मंच तैयार करते हैं फिल्म राधे से आमिर राधा कृष्ण कुमार की रची दुनिया से उनके सभी कलाकार एक रूप में नहीं हो पाते वो स्पेशल इफेक्ट्स से पर्दे पर चकाचौन तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन इस चकाचौन में फिल्म के सहयोगी कलाकार बार बार धूमिल होते रहते हैं हाँ फिल्म के हीरो प्रभास के किरदार विक्रमादित्य पर निर्देशक राधाकृष्ण कुमार ने खासी मेहनत की है प्रभास भी अपनी रोमांटिक छवि गढ़ने की यहाँ पूरी कोशिश करते दिखे हैं फिल्म में हास्य और उल्लास प्रस्तुत करने वाले दृश्यों में वो काफ़ी सहज भी बन पड़े हैं प्रभास की कदकाठी सामान्य नहीं है उनका ढील देवी है उनके हाव भाव और उनकी देह भाषा भी किसी बा बलशाली पुरुष का भाल देती है ऐसे में उन्हें पूजा हेगड़े जैसे नाजुक के प्रेमी के तौर पर देखने हिंदी दर्शकों के लिए मेहनत का काम है फिल्म देखते हुए मन को बार बार समझना होता है कि पर्दे पर दिख रहा कलाकार महिष्मति का बाहुबली नहीं वो आदि पुरुष का राम भी नहीं वो विक्रमादित्य है इसे समझने में ही फिल्म का आधा हिस्सा चला जाता है पर्दे पर बदलती बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ मध्यांतर तक आते आते फिल्म की कहानी समय पर आती है समुद्र के विकराल रूप को पर्दे पर देखने से दर्शक विकसित और विसमत हो भी जाते हैं पर दर्शकों को ये कहानी असली सी नहीं लगती यही फिल्म राधेश्याम की सबसे बड़ी कमजोरी भी है प्रभास की मेहनत फिल्म में साफ दिखती है वो अपना असर छोड़ने में भी कामयाब हैं लेकिन पूजा हेगड़े एक बार फिर बड़ा मौका मिलने के बावजूद चूक गई हैं नया राम दृश्यों के बीच वो अपने चरित्र की मनोभावनाएं उजागर करने में चूकती हैं सितारों के सहारे टंगी एक प्रेम कहानी में जिस आवेग और उद्देग की जरूरत उनके अभिनय में की थी उनका संवेक उनके अभिनय से गायब है फिल्म की दूसरी कमजोर कड़ी इसके सहायक कलाकारों में सचिन खेड़कर व मुरली शर्मा को छोड़कर दूसरे कलाकारों को बेहतर मौका न मिल पाना रहा है कहानी के हिसाब से उनके किरदार ढंग से नहीं गढ़े गए हैं भागश्री से बड़े पर्दे पर वापसी पर इसे कहीं बेहतर करने की उम्मीद पर हिंदी सिनेमा को हो रही है फिल्म के हिंदी संस्करण के संगीत को छोड़ दें तो फिल्म राधेश्याम की बाकी तकनीकी टीम बहुत कमाल की है सिनेमाटीग्राफर मनोज परमहंस ने पर्दे पर एक अद्भुत कल्पना लोक रचने में कामयाबी हासिल की है यूरोप की ए अब तक की सबसे कलाकारी भारी पर्टन सोरील रील भी दिखती है उनका कैमरा कहानी के साथ चलता है वह भले दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ने में ज़्यादा सफल न रहा हो लेकिन अपने निर्देशक की कल्पना को पर्दे पर उतारने में उनका कैमरा सिनेमा के कैनवास पर कूची सा फिसलता चला है कोटागिरी वेंकटोसर राव ने फिल्म के संपादन में अपना कौशल फिर से दिखाया है वो दक्षिण के सबसे काबिल फिल्म संपादकों में शुमार हैं उनका संपादन फिल्म को गति प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफल भी है एस थाम का पर्स संगीत इसके तेलुगु संस्करण के हिसाब से और हिंदी भाषी दर्शकों की संगीत रुचि के अनुसार वांछित प्रभाव पैदा नहीं कर पाता राधेश्यामी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है यह फिल्म 1976 के आसपास कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज अपने शिष्य विक्रमादित्य पैन इंडिया फिल्में इन दिनों सफलता का नया फार्मूला बन गई हैं राधे श्याम की रिलीज भी इसी फार्मूले को भुनाने वाली थी फिल्म का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास की मौजूदगी है भव्यता से भरे दृश्यों की भरमार है लेकिन यह सब भव्यता साथ मिलकर भी फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाई क्योंकि कहानी बहुत खोखली सी है राधे श्याम की पीरियड ड्रामा फिल्म 1976 के आसपास कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज और अपने शिष्य विक्रमादित्य प्रभास के बारे में सभी को बताते हैं कि वो एक प्रसिद्ध ज्योतिष है जिसे भारत का नास्त्रेदमस कहा जाता है वह लोगों की हाथों की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वह बताता है कि वो भारत में भविष्य में आपातकाल लगा देंगी कहानी इतनी फिर इटली चली जाती है विक्रमादित्य का मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो सौ प्रतिशत सही होता है दूसरी ओर उसके गुरु परमहंस यानी कि कृष्णम राजू की अलग सोच है उन्हें लगता है कि ज्योतिष निन्यानवे परसेंट तक भविष्यवाणी कर सकती है सौ परसेंट नहीं परमहंस का सोचना है कि एक परसेंट लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं और इतिहास रचते हैं लेकिन विक्रमादित्य इन बातों को नहीं मानते इटली में विक्रमादित्य की एक ट्रेन में प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े से मुलाकात होती है और पहली नज़र वाला प्यार भी हो जाता है वो एक डॉक्टर हैं लेकिन एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं विक्रमादित्य ने उसकी हथेली हाँ को देखता है और भविष्यवाणी करता है कि उसकी उम्र सौ साल की है लेकिन विक्रमादित्य प्रेरणा से प्यार करने के बावजूद उससे दूर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वह प्रेरणा से क्या छुपा रहा है प्यार और किस्मत में किसकी जीत होगी यह आगे की कहानी है कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो सेकंड हाफ़ में खुलता है फिल्म की सबसे खड़ी खामी यह है कि इसकी कहानी जो पर्दे पर इस तरह आती है कि उसमें विश्वसनीय जैसा कुछ भी नहीं लगता सब कुछ खोखला सा लगता है लगभग ढाई घंटे की यह फिल्म कुछ समय के बाद बोरिंग लगने लगती है यह कहा कहानी गलत ना होगा निर्देशक कहना क्या चाहते हैं वो कन्फ्यूज हैं यह बात फिल्म को देखते हुए शिदत से महसूस होती है कहानी में भाग्य और इंसानी जज्बात और जज्बे के बीच का जो द्वंद है उसे दर्शाने और स्थापित करने के लिए अधिक घटनाएं या परिस्थिति कहानी में जोड़ने की जरूरत थी सब कुछ ऊपरी सा लगता है फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रभावहीन रहा फिल्म में अभिनय की बात करें तो अब तक प्रभास हिंदी दर्शकों से लार्जर देने लाइव अवतार में ही नज़र आए और इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और उनकी कोशिश फिल्म में नजर भी आई है पूजा हेगड़े भी अपने अपने किरदार में जची हैं लेकिन पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल गायब सी है जो किसी भी रोमांटिक फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत होती है फिल्म में इन्हीं दोनों किरदारों पर फोकस है बाकी के किरदारों की कहानी में महत्व ही नहीं दिया गया है मुरली शर्मा कुणाल कपूर राय भाग्यश्री को करने के लिए फिल्म में कुछ खास नहीं था फिल्म के गीत संगीत पैन इंडिया की दूसरी फिल्मों की तरह वो भी रीजनल अंदाज में हैं गानों की पिक्चराइजेशन जरूर अच्छी बन पड़ी है लेकिन वो प्रभावित नहीं करता यही बात फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी कही जा सकती है फिल्म की यू इसका विजुअल इफेक्ट्स है सिनेमाइटोग्राफी के लिहाजा से यह फिल्म बेहद खास है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है फिल्म के संवाद कहानी के अनुरूप हैं कुल मिलाकर यह फिल्म इस बात को फिर से साबित करती है कि बजट से ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट किसी फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत होती है कई बार फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं बजट के नाम पर नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं प्रमोशन भी ऐसे किया जाता है कि आज से पहले अपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा लगाया तो मतलब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी बी एफ एक्स सुपर से भी सुपर हो जाएगी प्रभास को जो नई फिल्म है राधे श्याम उसको लेकर भी ये सब कहा गया था रिलीज़ तो पहले साल होनी थी लेकिन कोरोना ने लेट कर दिया अब 350 करोड़ के बजट में बनी डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार की राधे श्याम रिलीज हो गई है तो देखना तो बस ये है कि 350 करोड़ रुपये मेकर्स ने आखिर खर्च कहां पर किए हैं और क्या ऐसा कुछ कमाल किया है कि इस फिल्म ने कि इस, इसको सालों तक याद रखा जाए आइए जानते हैं राधे श्याम उन दो प्यार करने वालों की कहानी है जिसे हाथ की लकीर शायद कभी ना मिलने ना दे जिसे किस्मत हमेशा एक दूसरे से अलग करने की साजिश करे एक विक्रम आदित्य प्रभास और उसका प्यार है प्रेरणा पूजा हेंगड़े विक्रम हाथों की लकीर देख भविष्य बता देता है फिल्म ने कई बार हमें बताया है कि इनसे सटीक भविष्य आज तक किसी ने नहीं बताया है ये जनाब तो पहले से ही जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसी भविष्य जानने वाली शक्ति ने विक्रम को बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में प्यार ही है ही नहीं फ्लड कर सकता है लेकिन किसी से प्यार नहीं कर पाएगा दूसरी तरफ खड़ी है प्रेरणा पैसे से डॉक्टर है अब इन हाथ की लकीरों में कोई विश्वास नहीं जताती है यही है पूरी फिल्म का फ्लर्ट एक हाथ की लकीरों को जिंदगी की सच्चाई मानकर चलता है तो दूसरी तरफ सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास जताता है बीच में भी आई कई घटनाएं होती हैं दोनों प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन फंडा वही है एक लकीर के चक्कर में उस प्यार को समझ नहीं पाता तो दूसरा उस प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है अब हाथ की लकीर सच निकलती हैं या प्रेरणा के कर्मों पर विश्वास दो प्यार करने वालों क्या साथ आ पाते हैं या नहीं विक्रम की भविष्यवाणी सच होती है या गलत इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे राधे श्याम मूवी सिर्फ बड़े बजट से कुछ नहीं होता थोड़ा फ्लैक्स बैक में चलते हैं साल 2017 में प्रभास की फिल्म आई थी साहो बजट था 350 करोड़ वही जो राधे श्याम का भी है उस फिल्म को लेकर कहा गया था कि ऐसा एक्शन है कि कभी पहले आपने नहीं देखा होगा लेकिन एंड रिजल्ट किया था फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई लोगों ने निष्कर्ष निकाला इसे कहते हैं पैसे में आग लगाना अब प्रेजेंट में आते हैं राधे श्याम भी मेकर्स ने बड़े ही अच्छे से सजाया है सारा पैसा या तो सेट पर खर्च किया गया और जो बचा है वो बी एफ एक्स में लग गया है लेकिन दर्शकों का क्या मिला सिर्फ बोरियत बिना कहानी वाली एक बेमेल केमिस्ट्री बिना सिर पैर वाला एक बी एफ एक्स जिसको मेकर्स भी जस्टिफाई नहीं कर पाए मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी आंखें तरस जाएंगी सिर्फ यह देखने के लिए कि यह कहानी क्या है स्क्रीन पर तो काफ़ी कुछ हो रहा है कभी ट्रेन में प्रभास रोमांस कर रहे हैं कभी अस्पताल में डॉक्टर बनी पूजा रोमांटिक हो रही हैं लेकिन इस सब का लिंक किया है किसी को नहीं पता शायद मेकर्स भी कनेक्ट करना भूल गए हैं पहला हाफ फिल्म को स्लो है सिर्फ इतना बताया गया है कि विक्रम इंडिया के नंबर वन प्लामिस्ट हैं कुछ लोग उनसे भविष्य पूछने आते हैं इंदिरा गांधी भी हैरान मत होइए ये।, ये फिल्म ही ऐसी है यहाँ सब कुछ दिखाया गया है फिल्म का जब दूसरा हाफ आता है कहानी जो स्लो चल रही थी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है स्लो के साथ उदासी वाला फैक्टर भी जुड़ जाता है मतलब दर्शकों के लिए कुर्सी पर बैठे रहना मुश्किल हो सकता है प्रभास ने किया निराश पूजा बेदम चलिए एक्टिंग की भी बात कर लेते हैं आखिरकार तीन सौ पचास करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं एक ही बड़ी बात यह है कि उनकी हिंदी वाली डबिंग भी खुद की गई है अब वैसे तो इस डिडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए लेकिन फिल्म के लिहाजा से जबरदस्त नुकसान भी हुआ है प्रभास के हिंदी संवाद काफ़ी सपाट हैं कोई फील फीलिंग नहीं कोई इंसेटिंग नहीं सिर्फ बोल दिए गए हैं पूजा हेगड़े राधे श्याम की रीड एक्ट्रेस हैं उनका काम भी औसत ही रहा है हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफ़ी बेहतर हैं लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा रंग नहीं लाई है मेकर्स ने कोशिश पूरी की एक लार्जर देन लाइफ प्रेम कहानी बनाने की लेकिन एक बार भी कोई कनेक्ट फील नहीं हुआ वो वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी हैं भागश्री सचिन खेड़कर और जगपति बाबू लेकिन किसी का भी करेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया सेंस भी नहीं बना राधे श्याम मूवी में कहाँ कर गए सबसे बड़ी चूक राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं है लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना ये सब काफ़ी खटकता है फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में कई साल लग गए हैं उन कई कई सालों ने इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही वास्तुकता भी कोसों दूर गई है इस कमजोर कहानी का असर राधे श्याम इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कन्फ्यूज नजर आए विज्ञान के इस युग में जहां सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है फिल्म की प्लाट ही आतार्किक और वैज्ञानिक है जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढा जाती है कहानी उन्नीस में सेट है विक्रमादित्य यानी कि प्रभास को भारत का भारत का नास्त्र दमस कहा जाता है क्योंकि वो हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइट तरीके से दिखाया जाता है लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लट करता है शराब पीता है और पब जाता है उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है फिल्म की हीरोइन प्रेरणा यानी कि पूजा हेंगड़े एक डॉक्टर हैं जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं विक्रम विक्रमादित्य उससे प्लाटिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है यह सुन प्रेरणा के चाचा यानी कि सचिन खेड़ कर नाराज होते हैं और उसे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करने के लिए कहते हैं भविष्यवाणी सच होती है या नहीं इसके लिए क्लाइमेक्स का इंतजार करना पड़ता है फिल्म का पहला घंटा झेलना झेला नहीं जा सकता जिस तरह से करेक्टर्स को एक बेहद एक पेश किया जाता है मनोरंजन के लिए दृश्य रचे गए हैं वो बेहद सतही हैं कहानी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती और लगातार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है एक घंटे बाद ही कहानी आगे बढ़ती है लेकिन दर्शकों को ना कहानी में रुचि रहती है और ना ही स्क्रीन पर चल रहे घटनाक्रमों में राधा कृष्ण कुमार ने पूरी फिल्म को फेयर की तरह बनाया है हर सीन को खूबसूरत बनाने के चक्कर में वो ये बात भूल गए कि ये कहानी में फिट होता है या नहीं इससे फिल्म अपना प्रभाव तुरंत खो देती है स्क्रीन प्ले में कई गलतियां हैं जब प्रेरणा के बारे में विक्रमादित्य भविष्यवाणी कर देता है कि उसकी मौत अभी नहीं होगी तो प्रेरणा के चाचा प्रेरणा से लड़ते हैं जबकि प्रेरणा को इस भविष्यवाणी से उम्मीद बन जाती है हो ना तो यही चाहिए था भले ही यह बात झूठ साबित हो लेकिन तसली से प्रेरणा का उत्साह बढ़ाया जा सकता है विक्रमादित्य के हाथ में जब लव लाइन है नहीं है तो वो क्यों प्रेरणा से नज़दीकियाँ बढ़ाता है प्यार का लव लाइन से क्या लेना देना यह तो हो जाता है क्योंकि किसी का इस पर बस नहीं चलता विक्रमादित्य अचानक प्रेरणा और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला लेते हैं प्रेरणा को जब विक्रमादित्य का एक अहम राज पता चलता है तो वो इस बारे में उसे क्यों बता नहीं सकती विक्रमादित्य इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे करती हैं क्योंकि कौन सी विद्या उसे प्राप्त है ऐसे कई प्रश्न फिल्म देखते समय दिमाग में कौनते रहते हैं जिनके कोई जवाब नहीं मिल पाते फिल्म के अंत में कर्म को प्रमुखता देते हुए भविष्यवाणी और किस्मत वाली बात को संभालने की कोशिश की गई है लेकिन बात नहीं बनती क्योंकि पंचानबे प्रतिशत फिल्म में तो आप किस्मत और भविष्यवाणी का गुणगान करते रहते हैं निर्देशक के रूप में भी राधा कृष्ण कुमार निराश करते हैं विक्रमादित्य एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर हीरोगिरी करते हुए चलते हैं तो उसे नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ देखते रहते हैं कोई मदद के लिए आगे नहीं आता यानी कि निर्देशक का ध्यान फिल्म को स्टाइलिश बनाने में रहा और वे बेसिक बातें भी भूल गए राधा कृष्ण कुमार का प्रस्तुतिकरण भी दमदार नहीं है दृश्यों को वह सही तरीके से जोड़ नहीं पाए कहने को तो यह लव स्टोरी है लेकिन इसमें इमोशनल नहीं है फिल्म की सिनेमाटीग्राफी लोकेंस कोरियोग्राफी बैकग्राउंड म्यूजिक गाने जबरदस्त हैं तकनीशियनों ने अपने काम में सौ प्रतिशत दिखाया फिल्म आंखों को सुकून देती है कुछ दृश्य बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं लव स्टोरी में प्रभास फिट नहीं लगे जो किरदार उन्होंने निभाया है उससे उनकी उम्र ज्यादा लगती है जिस तरह की लवर बाय हरकतें प्रभास से करवाई गई हैं वे उनके व्यक्तित्व पर सूट नहीं होती और उनकी असहजता एक्टिंग में नजर आती हैं पूजा हेगड़े सुंदर लगी हैं और उनका आत्मविश्वास उनकी एक्टिंग में झलकता है सचिन खेड़करे का किरदार सही नहीं दिखा गया भाग्यश्री कुड़काल राय कपूर और मुरली शर्मा सहित सपोर्टिंग कास्ट के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है प्रभास का कहना है कि वे अत्यंत सावधानी के साथ स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं लेकिन राधे श्याम जैसी फिल्म उनके रिलेशन पर सवाल खड़ी करती है इस फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार और इसके निर्देशक हैं राधा कृष्ण कुमार और संगीतकार हैं मिथुन अमाल मलिक और कलाकार हैं प्रभास पूजा हेंगड़े सचिन खेड़कर और आदित्य राय कपूर भाग्यश्री जब हाथों में नहीं प्रेम की लकीर तो कैसे बनेगी राधे श्याम की लव स्टोरी मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच की जंग दिखती है इस फिल्म में सिनेमाई घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई लव स्टोरी राधे श्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में बनी है लेकिन इस प्रकार प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई बल्कि हिंदी में भी इस फिल्म को शूट किया गया है सुपर स्टार साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म देने के बाद बॉलीवुड में भी छा गए हैं बाहुबली के बाद तो प्रभास बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं अब प्रभास की फिल्म राधे श्याम आई है सिनेमाई घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई लव स्टोरी राधे श्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में भी बनी है लेकिन इस बाढ़ प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई बल्कि हिंदी में भी इस फिल्म को शूट किया गया है ऐसे में हिंदी बेल्ट के प्रभास फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फिल्म की कहानी हाथ की लकीरें पढ़ने वाले विक्रमादित्य और डॉक्टर प्रेरणा यानी कि पूजा के कि विक्रमादित्य के हाथों में प्रेम की रेखाएं नहीं हैं ऐसी उसकी विद्या कहती है ऐसे में प्रेम से बचने वाला विक्रमादित्य प्रेण प्रेरणा के प्या प्यार में गिर जाता है इधर डॉक्टर प्रेरणा एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है जिसके पास दो महीने से ज्यादा का वक्त भी नहीं है बचा लेकिन विक्रमादित्य का मानना है कि प्रेरणा का मृत्युकाल अभी नहीं है वो लंबी आयु जिएगी अब क्या होगा क्या विक्रमादित्य के हाथों में जो लकीरें हैं नहीं क्या उन लकीरों को वो खुद उकेरेगा या जो मेडिकली प्रूव हो चुका है कि प्रेरणा के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है उसे गलत साबित करते हुए विक्रमादित्य की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और प्रेरणा का जीवन दो महीने से ज़्यादा का होगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एक सौ अट्ठाईस मिनट की इस फिल्म को डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने बनाया है इस फिल्म के कई सीन काफ़ी ढिलाई से बनाए गए हैं स्क्रिप्ट प्रभास की बाकी फिल्मों के मुकाबले बेहद कमज़ोर है पहला भाग फिर भी रफ्तार में दौड़ता है वहीं सेकंड हाफ में फिल्म काफ़ी स्लो हो जाती है इसके अलावा फिल्म के गाने और बेहतर हो सकते हैं हालांकि फिल्म के हर स्क्रीन पर प्रभास बेहद स्मार्ट लग रहे हैं वहीं पूजा हैंग हैंगड़े की खूबसूरती पर भी खिलकर प्रभा उभर रही हैं प्रभास और पूजा एक्टिंग के मामले में भी जमकर कमाल कर रहे हैं लेकिन डायलॉग्स और फिल्म ने अगर आप प्रभास के फैन हैं और पूजा हेगड़े के साथ उन्हें फ़ैंस में रोमांस करते देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं तो उन जिनको रोमांटिक फिल्मों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है यह फिल्म उनके लिए पकाऊ साबित हो सकती है अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल राधे श्याम की कहानी सबसे कमज़ोर कड़ी है साथ ही हर दृश्य को यहाँ इतना सजाया गया है कि बनावटी लगने लगता है प्रभास और पूजा हेगड़े के रोमांस में असर नहीं दिखता अमेरिकी लेखक टॉम कलेन की बेस्ट सेलर किताब ने एक परसेंट फार्मूला यह जीवन में एक फीसदी का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही एक फ़ीसदी एक ताकत कई बार निन्यानबे फीसदी के पलड़े पर भारी पड़ जाती है मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है फिल्म में हीरो इंडिया का नास्त्रदसम में वो जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वो कभी नहीं बदलता लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वो देश में इमरजेंसी लगाने वाली हैं इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है वह यूरोप में निकल जाता है राधे श्याम कॉमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है इसका एक ज्योतिष किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है उसे समझा समझने और समझाने की कोशिश ना हो ना कि उसका विरोध किया जाए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो एक ज्योतिष को मानते हैं दूसरे विज्ञान को मानते हैं और दूसरे लोग जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष का भी देता है फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक रोम यानी कि इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती पूजा हेंगड़े को असाध्य ब्रेन ट्यूमर और ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की साँसें उसके खाते में हैं प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा यानी कि सचिन खेड़कर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार कर चुका है मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी कि प्रभास से होती है आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है वो दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है कि उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है इसीलिए वह लड़कियों से फिर फ्लर्ट करता है जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह मन ही मन उसे चाहने लगी है इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ ला, लाएगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा करीब तीन सौ पचास करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही है राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है डब नहीं है यह तेलुगु में भी समांतर बनाई गई है राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह बनाया और सजाया गया है इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहज कर रखा गया है उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की राड जगमगाती है यह तमाम सौंदर्य इतना शिथिर दिखता है कि उसके मुर्दा होने का आभास होता है इस लिहाजा इसे पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है जो आंखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते पूजा हेंगड़े सुंदर दिखी हैं सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत में हैं लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है लेकिन एक फ़ीसदी की गुंजाइश भी है यह गुंजाइश किसी भी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा हो सकती है जो खुद अपने हाथों से जीवन रथ के पहिए मोड़ देते हैं असल में यही वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के संवाद गूंजता है किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं तुम्हारे कर्मों का नतीजा हैं राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बखैर देखते भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है राधे श्याम दो तीन दशक पुरानी प्रेम कहानी जैसी मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया है तो उसका रोमांस बढ़ सकता था फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बसीर बद्र का यह शेर याद आता है कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है बड़े बजट की फिल्मों का जमाना है और कोशिश सबकी यही है कि सिनेमाई घरों तक दर्शकों को फिर से लेकर आना है साल 2018 में शुरू हुई फिल्म राधे श्याम को लेकर इसे बनाने वाले का दावा भी सिनेमाई घरों में एक ऐसा दृश्य भव्य प्रभाव पैदा करने का रहा है जो भारतीय सिनेमा के लिए अब तक अनदेखा है 300 से साढ़े तीन करोड़ रुपए के बजट में बनी बताई जा रही फिल्म राधे श्याम के यूरोप के एक मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ की प्रेम कहानी से प्रेरित दिखती है हालांकि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वालों के देश में यह फिल्म सामुदायिक शास्त्र की एक ऐसी लोकप्रिय परंपरा को आगे बढ़ाती देखती है जिसकी तरह हाल के वर्षों में युवा पीढ़ी का ध्यान कम ही गया है प्रभास की बाहुबली सीरीज की फिल्मों में से नहीं ऐसी अखिल भारतीय फिल्मों की तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जो सिर्फ़ कथ्य से नहीं बल्कि अपने प्रस्तुतिकरण से भी चौंकाती है फिल्म राधे श्याम दर्शकों को चौंकाने का दमखम रखने वाले सिनेमा की नई कड़ी है इस फिल्म से अभिनेता प्रभास की भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता का इम्तिहान होने वाला है हाथ देकर लोगों का भविष्य बताने वाले कभी बड़े शहरों के व्यस्ततम बाजारों में फुटपाथों पर भी अक्सर दिखाया करते थे देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ जिन लोकप्रिय व्यवसायियों का लोक से विलोप होना शुरू हुआ उनमें से हस्तरेखा ज्ञान भी शामिल है फिल्म राधे श्याम की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे हाथ की लकीरों में आना वाला संसार दिखता है वो एक भारतीय परंपरा का विशिष्ट वाहक है और विदेश में उसका अपना सितारा काफ़ी बुलंद है फिर उसे मिलती है प्रेरणा भावों के भी और अनुभूतियों की भी प्रेरणा उसे आकर्षित करती है दोनों की जुगलबंदी बनने में समय लगता है उनके हाथों की लकीरें एक पाई गई हैं चलते हुए जीवन के दो अलग अलग ध्रुवों पर निकल जाएंगी इसी उधेड़बुन में फिल्म राधे श्याम की कहानी दर्शकों को बांधने की कोशिश करती चलती है निर्देशक राधा कृष्ण कुमार मूल रूप से कलम के धनी हैं तेलुगु फिल्मों के संवाद लिखने के दौरान ही उन पर अभिनेता गोपी चंद का विश्वास बना बतौर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने सात साल पहले अपनी पहली फिल्म बनाई जिल इस फिल्म के निर्माताओं ने ही फिल्म राधे श्याम में राधा कृष्ण कुमार पर बड़ा दांव लगाया बाहुबली की शूटिंग के दौरान प्रभास जब एक्शन फिल्मों से हटकर कुछ रोमांटिक सा कुछ हल्का फुल्का सा करने के मूड में थे तो उन्हें राधे श्याम की कहानी सुनने को मिली राधा कृष्ण कुमार ने कुछ कुछ चर्चित लेखक के विजेंद्र प्रसाद के सूत्र अपनी इस नई फिल्म को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो किरदार से पहले उसके आसपास का वातावरण रचते हैं लेकिन विजेंद्र प्रसाद की खूबी यह है कि वातावरण उनके सभी किरदारों की कलाकारी का मंच तैयार करते हैं फिल्म राधे श्यामेर राधा कृष्ण कुमार की रची दुनिया से उनके सभी कलाकार एक रूप में नहीं हो पाते वो स्पेशल इफेक्ट्स से पर्दे पर चकाचौन तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन इस चकाचौन में फिल्म के सहयोगी कलाकार बार बार धूमिल होते रहते हैं हाँ फिल्म के हीरो प्रभास के किरदार विक्रमादित्य पर निर्देशक राधाकृष्ण कुमार ने खासी मेहनत की है प्रभास भी अपनी रोमांटिक छवि गढ़ने की यहाँ पूरी कोशिश करते दिखे हैं फिल्म में हास्य और उल्लास प्रस्तुत करने वाले दृश्यों में वो काफ़ी सहज भी बन पड़े हैं प्रभास की कटकाटी सामान्य नहीं है उनका ढील देवी है उनके हाव भाव और उनकी देह भाषा भी किसी बा बलशाली पुरुष का भाल देती है ऐसे में उन्हें पूजा हेगड़े जैसे नाजुक के प्रेमी के तौर पर देखने हिंदी दर्शकों के लिए मेहनत का काम है फिल्म देखते हुए मन को बार बार समझना होता है कि पर्दे पर दिख रहा कलाकार महीस्मती का बाहुबली नहीं वो आदि पुरुष का राम भी नहीं वो विक्रमादित्य है इसे समझने में ही फिल्म का आधा हिस्सा चला जाता है पर्दे पर बदलती बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ मध्यांतर तक आते आते फिल्म की कहानी समय पर आती है समुद्र के विकराल रूप को पर्दे पर देखने से दर्शक विकसित और विषमथ हो भी जाते हैं पर दर्शकों को ये कहानी असली सी नहीं लगती यही फिल्म राधेश्याम की सबसे बड़ी कमजोरी भी है प्रभास की मेहनत फिल्म में साफ दिखती है वो अपना असर छोड़ने में भी कामयाब हैं लेकिन पूजा हेगड़े एक बार फिर बड़ा मौका मिलने के बावजूद चूक गई हैं नए राम दृश्यों के बीच वो अपने चरित्र की मनोभावनाएं उजागर करने में चूकती हैं सितारों के सहारे टंगी एक प्रेम कहानी में जिस आवेग और उद्वेग की जरूरत उनके अभिनय में की थी उनका संवेक उनके अभिनय से गायब है फिल्म की दूसरी कमजोर कड़ी इसके सहायक कलाकारों में सचिन खेड़कर व मुरली शर्मा को छोड़कर दूसरे कलाकारों को बेहतर मौका ना मिल पाना रहा है कहानी के हिसाब से उनके किरदार ढंग से नहीं गढ़े गए हैं भागश्री से बड़े पर्दे पर वापसी पर इसे कहीं बेहतर करने की उम्मीद पर हिंदी सिनेमा को हो रही है फिल्म के हिंदी संस्करण के संगीत को छोड़ दें तो फिल्म राधे श्याम की बाकी तकनीकी टीम बहुत कमाल की है सिनेमाटोग्राफर मनोज परमहंस ने पर्दे पर एक अद्भुत कल्पना लोक रचने में कामयाबी हासिल की है यूरोप की ए अब तक की सबसे कलाकारी भारी पर्टन सोरील रील भी दिखती है उनका कैमरा कहानी के साथ चलता है वह भले दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ने में ज़्यादा सफल ना रहा हो लेकिन अपने निर्देशक की कल्पना को पर्दे पर उतारने में उनका कैमरा सिनेमा के कैनवास पर कूची सा फिसलता चला है कोटागिरी वेंकटोसर राव ने फिल्म के संपादन में अपना कौशल फिर से दिखाया है वो दक्षिण के सबसे काबिल फिल्म संपादकों में शुमार हैं उनका संपादन फिल्म को गति प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफल भी है एस थाम का पर्श संगीत इसके तेलुगु संस्करण के हिसाब से और हिंदी भाषी दर्शकों की संगीत रुचि के अनुसार वांछित प्रभाव पैदा नहीं कर पाता श्याम एक पीरियड ड्रामा फिल्म है यह फिल्म उन्नीस के आसपास कि कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज अपने शिष्य विक्रमादित्य पैन इंडिया फिल्में इन दिनों सफलता का नया फार्मूला बन गई हैं राधे श्याम की रिलीज भी इसी फार्मूले को भुनाने वाली थी फिल्म का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास की मौजूदगी है भव्यता से भरे दृश्यों की भरमार है लेकिन यह सब भव्यता साथ मिलकर भी फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाई क्योंकि कहानी बहुत खोखली सी है राधे श्याम की पीरियड ड्रामा फिल्म 1976 के आसपास कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज और अपने शिष्य विक्रमादित्य प्रभास के बारे में सभी को बताते हैं कि वो एक प्रसिद्ध ज्योतिष है जिसे भारत का नास्त्रेदमस कहा जाता है वह लोगों की हाथों की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वह बताता है कि वो भारत में भविष्य में आपातकाल लगा देंगी कहानी इतन फिर इटली चली जाती है विक्रमादित्य का मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो सौ प्रतिशत सही होता है दूसरी ओर उसके गुरु परमहंस यानी कि कृष्णम राजू की अलग सोच है उन्हें लगता है कि ज्योतिष निन्यानवे परसेंट तक भविष्यवाणी कर सकती है सौ परसेंट नहीं परमहंस का सोचना है कि एक परसेंट लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं और इतिहास रचते हैं लेकिन विक्रमादित्य इन बातों को नहीं मानते इटली में विक्रमादित्य की एक ट्रेन में प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े से मुलाकात होती है और पहली नज़र वाला प्यार भी हो जाता है वो एक डॉक्टर हैं लेकिन एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं विक्रमादित्य ने उसकी हथेली हाँ को देखता है और भविष्यवाणी करता है कि उसकी उम्र सौ साल की है लेकिन विक्रमादित्य प्रेरणा से प्यार करने के बावजूद उससे दूर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वह प्रेरणा से क्या छुपा रहा है प्यार और किस्मत में किसकी जीत होगी यह आगे की कहानी है कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो सेकंड हाफ में खुलता है फिल्म की सबसे खड़ी खामी यह है कि इसकी कहानी जो पर्दे पर इस तरह आती है कि उसमें विश्वसनीय जैसा कुछ भी नहीं लगता सब कुछ खोखला सा लगता है लगभग ढाई घंटे की यह फिल्म कुछ समय के बाद बोरिंग लगने लगती है यह कहा कहानी गलत ना होगा निर्देशक कहना क्या चाहते हैं वो कन्फ्यूज हैं यह बात फिल्म को देखते हुए शिदत से महसूस होती है कहानी में भाग्य और इंसानी जज्बात और जज्बे के बीच का जो द्वंद है उसे दर्शाने और स्थापित करने के लिए अधिक घटनाएं या परिस्थिति कहानी में जोड़ने की ज़रूरत थी सब कुछ ऊपरी सा लगता है फिल्म का क्लाइमेक्स भी प्रभावहीन रहा फिल्म में अभिनय की बात करें तो अब तक प्रभास हिंदी दर्शकों से लार्जर देने लाइव अवतार में ही नज़र आए और इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और उनकी कोशिश फिल्म में नजर भी आई है पूजा हेगड़े भी अपने अपने किरदार में जची हैं लेकिन पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल गायब सी है जो किसी भी रोमांटिक फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत होती है फिल्म में इन्हीं दोनों किरदारों पर फोकस है बाकी के किरदारों की कहानी में महत्व ही नहीं दिया गया है मुरली शर्मा कुणाल कपूर राय भाग्यश्री को करने के लिए फिल्म में कुछ खास नहीं था फिल्म के गीत संगीत पैन इंडिया की दूसरी फिल्मों की तरह वो भी रीजनल अंदाज में हैं गानों की पिक्चराइजेशन जरूर अच्छी बन पड़ी है लेकिन वो प्रभावित नहीं करता यही बात फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी कही जा सकती है फिल्म की यू इसका विजुअल इफेक्ट्स है सिनेमाइटोग्राफी के लिहाजा से यह फिल्म बेहद खास है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है फिल्म के संवाद कहानी के अनुरूप हैं कुल मिलाकर यह फिल्म इस बात को फिर से साबित करती है कि बजट से ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट किसी फिल्म की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कई बार फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं बजट के नाम पर नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं प्रमोशन भी ऐसे किया जाता है कि आज से पहले अपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा लगाया तो मतलब है राधे श्याम उसको लेकर भी ये सब कहा गया था रिलीज तो पहले साल होनी थी लेकिन कोरोना ने लेट कर दिया अब 350 करोड़ के बजट में बनी डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार की राधे श्याम रिलीज हो गई है तो देखना तो बस ये है कि 350 करोड़ रुपये मेकर्स ने आखिर खर्च कहां पर किए हैं और क्या ऐसा कुछ कमाल किया है कि इस फिल्म ने कि इसको सालों तक याद रखा जाए आइए जानते हैं राधे श्याम उन दो प्यार करने वालों की कहानी है जिसे हाथ की लकीर शायद कभी ना मिलने ना दे जिसे किस्मत हमेशा एक दूसरे से अलग करने की साजिश करे एक विक्रम आदित्य प्रभास और उसका प्यार है प्रेरणा पूजा हैंगड़े विक्रम हाथों की लकीर देखकर भविष्य बता देता है फिल्म ने कई बार हमें बताया है कि इनसे सटीक भविष्य आज तक किसी ने नहीं बताया है ये जनाब तो पहले से ही जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसी भविष्य जानने वाली शक्ति ने बिक्रम को बता दिया कि उसकी जिंदगी में प्यार ही है ही नहीं फ्लड कर सकता है लेकिन किसी से प्यार नहीं कर पाएगा दूसरी तरफ खड़ी है प्रेरणा पैसे से डॉक्टर है अब इन हाथ की लकीरों में कोई विश्वास नहीं जताती है यही है पूरी फिल्म का फ्लर्ट एक हाथ की लकीरों को जिंदगी की सच्चाई मानकर चलता है तो दूसरी तरफ सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास जताता है बीच में भी आई कई घटनाएं होती हैं दोनों प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन फंडा वही है एक लकीर के चक्कर में उस प्यार को समझ नहीं पाता तो दूसरा उस प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है अब हाथ की लकीर सच निकलती हैं या प्रेरणा के कर्मों पर विश्वास दो प्यार करने वालों क्या साथ आ पाते हैं या नहीं विक्रम की भविष्यवाणी सच होती है या गलत इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे राधे श्याम मूवी सिर्फ बड़े बजट से कुछ नहीं होता थोड़ा फ्लैक्स बैग में चलते हैं साल 2017 में प्रभास की फिल्म आई थी साहो बजट था 350 करोड़ वही जो राधे श्याम का भी है उस फिल्म को लेकर कहा गया था कि ऐसा एक्शन है कि कभी पहले आपने नहीं देखा होगा लेकिन एंड रिजल्ट किया था फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई लोगों ने निष्कर्ष निकाला इसे कहते हैं पैसे में आग लगाना अब प्रेजेंट में आते हैं राधे श्याम भी मेकर्स ने बड़े ही अच्छे से सजाया है सारा पैसा या तो सेट पर खर्च किया गया और जो बचा है वो बी में लग गया है लेकिन दर्शकों का क्या मिला सिर्फ बोरियत बिना कहानी वाली एक बेमेल केमिस्ट्री बिना सिर पैर वाला एक भी एफ एक्स जिसको मेकर्स भी जस्टिफाई नहीं कर पाए मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी आंखें तरस जाएंगी सिर्फ यह देखने के लिए कि ये कहानी क्या है स्क्रीन पर तो काफ़ी कुछ हो रहा है कभी ट्रेन में प्रभास रोमांस कर रहे हैं कभी अस्पताल में डॉक्टर बनी पूजा रोमांटिक हो रही हैं लेकिन इस सब का लिंक किया है किसी को नहीं पता शायद मेकर्स भी कनेक्ट करना भूल गए हैं पहला हाफ फिल्म को स्लो है सिर्फ इतना बताया गया है कि विक्रम इंडिया के नंबर वन प्लामिस्ट हैं कुछ लोग उनसे भविष्य पूछने आते हैं इंदिरा गांधी भी हैरान मत होइए ये।, ये फिल्म ही ऐसी है यहाँ सब कुछ दिखाया गया है फिल्म का जब दूसरा हाफ आता है कहानी जो स्लो चल रही थी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है स्लो के साथ उदासी वाला फैक्टर भी जुड़ जाता है मतलब दर्शकों के लिए कुर्सी पर बैठे रहना मुश्किल हो सकता है प्रभास ने किया निराश पूजा बेदम चलिए एक्टिंग की भी बात कर लेते हैं आखिरकार तीन सौ करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं एक ही एक्सप्रेशन एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई है बड़ी बात यह है कि उनकी हिंदी वाली डबिंग भी खुद की गई है अब वैसे तो इस डिडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए लेकिन फिल्म के लिहाजा से ज़बरदस्त नुकसान भी हुआ है प्रभास के हिंदी संवाद काफ़ी सपाट हैं कोई फील फीलिंग नहीं कोई इंसेटिंग नहीं सिर्फ बोल दिए गए हैं पूजा हेगड़े है राधे श्याम की रीड एक्ट्रेस हैं उनका काम भी औसत ही रहा है हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफ़ी बेहतर हैं लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा रंग नहीं लाई है मेकर्स ने कोशिश पूरी की एक लार्जर देन लाइफ प्रेम कहानी बनाने की लेकिन एक बार भी कोई कनेक्ट फील नहीं हुआ वो वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी हैं भागश्री सचिन खेड़कर और जगपति बाबू लेकिन किसी का भी करैक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया सेंस भी नहीं बना राधे श्याम मूवी में कहाँ कर गए सबसे बड़ी चूक राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं है लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना ये सब काफ़ी खटकता है फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में कई साल लग गए हैं उन की कई कई सालों ने इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही वास्तविकता भी कोसों दूर गई है इस कमजोर कहानी का असर लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबेने के लिए जिम्मेदार हैं एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कन्फ्यूज नजर आए विज्ञान के इस युग में जहां सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं वहीं यह है। फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है फिल्म की प्लाट ही आतार्किक और वैज्ञानिक है जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढा जाती है कहानी 1976 में सेट है विक्रमादित्य यानी कि प्रभास को भारत का बॉलीवुड में भी छा गए हैं बाहुबली के बाद तो प्रभास बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं अब प्रभास की फ़िल्म राधे श्याम आई है सिनेमाई घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई लव स्टोरी राधे श्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में भी बनी है लेकिन इस बार प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई बल्कि हिंदी में भी इस फिल्म को शूट किया गया है ऐसे में हिंदी बेल्ट के प्रभास फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फिल्म की कहानी हाथ की लकीरें पढ़ने वाले विक्रमादित्य और डॉक्टर प्रेरणा यानी कि पूजा के कि विक्रमादित्य के हाथों में प्रेम की रेखाएं नहीं हैं ऐसी उसकी विद्या कहती है ऐसे में प्रेम से बचने वाला विक्रमादित्य प्रेण प्रेरणा के प्या प्यार में गिर जाता है इधर डॉक्टर प्रेरणा एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है जिसके पास दो महीने से ज़्यादा का वक्त भी नहीं है बचा लेकिन विक्रमादित्य का मानना है कि प्रेरणा का मृत्युकाल अभी नहीं है वह लंबी आयु जिएगी अब क्या होगा क्या विक्रमादित्य के हाथों में जो लकीरें हैं नहीं क्या उन लकीरों को वो खुद उकेरेगा या जो मेडिकली प्रूव हो चुका है कि प्रेरणा के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है उसे गलत साबित करते हुए विक्रमादित्य की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और प्रेरणा का जीवन दो महीने से ज़्यादा का होगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एक सौ अट्ठाईस मिनट की इस फिल्म को डायरेक्टर राधाकृष्ण कुमार ने बनाया है इस फिल्म के कई सीन काफ़ी ढिलाई से बनाए गए हैं स्क्रिप्ट प्रभास की बाकी फिल्मों के मुकाबले बेहद कमज़ोर है पहला भाग फिर भी रफ्तार में दौड़ता है वहीं सेकंड हाफ में फिल्म काफ़ी स्लो हो जाती है इसके अलावा फ़िल्म के गाने और बेहतर हो सकते हैं हालांकि फिल्म के हर स्क्रीन पर प्रभास बेहद स्मार्ट लग रहे हैं वहीं पूजा हैंग हैंगड़े की खूबसूरती पर भी खिलकर प्रभा उभर रही हैं प्रभास और पूजा एक्टिंग के मामले में भी जमकर कमाल कर रहे हैं लेकिन डायलॉग्स और फिल्म ने अगर आप प्रभास के फ़ैन हैं और पूजा हैंगड़े के साथ उन्हें फैंस में रोमांस करते देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म आपके लिए नहीं तो उन जिनको रोमांटिक फिल्मों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है यह फिल्म उनके लिए पकाऊ साबित हो सकती है अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल राधे श्याम की कहानी सबसे कमज़ोर कड़ी है साथ ही हर दृश्य को यहाँ इतना सजाया गया है कि बनावटी लगने लगता है प्रभास और पूजा हेगड़े के रोमांस में असर नहीं दिखता अमेरिकी लेखक टॉम कलेन की बेस्ट सेलर किताब ने एक परसेंट फार्मूला यह जीवन में एक फीसदी का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही एक फ़ीसदी एक ताकत कई बार निन्यानबे फीसदी के पलरे पर भारी पड़ जाती है मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है फिल्म में हीरो इंडिया का नास्त्रदशम में वो जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वो कभी नहीं बदलता लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वो देश में इमरजेंसी लगाने वाली हैं इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है वह यूरोप में निकल जाता है राधे श्याम पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है इसका एक ज्योतिष किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है उसे समझा समझने और समझाने की कोशिश ना हो ना कि उसका विरोध किया जाए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो एक ज्योतिष को मानते हैं दूसरे विज्ञान को मानते हैं और दूसरे लोग जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष का भी देता है फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक रोम यानी कि इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती पूजा हेंगड़े को असाध्य ब्रेन ट्यूमर और ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की साँसें उसके खाते में हैं प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा यानी कि सचिन खेड़कर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार कर चुका है मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी कि प्रभास से होती है आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है वो दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है कि उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है इसीलिए वह लड़कियों से फिर फ्लड करता है जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह मन ही मन उसे चाहने लगी है इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड ला, लाएगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही है राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है डब नहीं है यह तेलुगु में भी समांतर बनाई गई है राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह बनाया और सजाया गया है इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहज कर रखा गया है उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की राड जगमगाती है यह तमाम सौंदर्य इतना शिथिर दिखता है कि उसके मुर्दा होने का आभास होता है इस लिहाजा इसे पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है जो आंखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते पूजा हेंगड़े सुंदर दिखी हैं सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत में हैं लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है लेकिन एक फ़ीसदी की गुंजाइश भी है यह गुंजाइश किसी भी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा हो सकती है जो खुद अपने हाथों से जीवन रथ के पहिए मोड़ देते हैं असल में यही वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के संवाद गूंजता है किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं तुम्हारे कर्मों का नतीजा है राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बखैर देखते भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है राधे श्याम दो तीन दशक पुरानी प्रेम कहानी जैसी मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया है तो उसका रोमांस बढ़ सकता था फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बद्र का यह शेर याद आता है कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है बड़े बजट की फिल्मों का जमाना है और कोशिश सबकी यही है कि सिनेमाई घरों तक दर्शकों को फिर से लेकर आना है साल 2018 में शुरू हुई फिल्म राधे श्याम को लेकर इसे बनाने वाले का दावा भी सिनेमाई घरों में एक ऐसा दृश्य भव्य प्रभाव पैदा करने का रहा है जो भारतीय सिनेमा के लिए अब तक अनदेखा है 300 से साढ़े तीन करोड़ रुपए के बजट में बनी बताई जा रही फिल्म राधे श्याम के यूरोप के एक मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ की प्रेम कहानी से प्रेरित दिखती है हालांकि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वालों के देश में यह फिल्म सामुदायिक शास्त्र की एक ऐसी लोकप्रिय परंपरा को आगे बढ़ाती देखती है जिसकी तरह हाल के वर्षों में युवा पीढ़ी का ध्यान कम ही गया है प्रभास की बाहुबली सीरीज की फिल्मों में से नहीं ऐसी अखिल भारतीय फिल्मों की तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जो सिर्फ कथ्य से नहीं बल्कि अपने प्रस्तुतिकरण से भी चौंकाती है फिल्म राधे श्याम दर्शकों को चौंकाने का दमखम रखने वाले सिनेमा की नई कड़ी है इस फिल्म से अभिनेता प्रभास की भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता का इम्तिहान होने वाला है हाथ देकर लोगों का भविष्य बताने वाले कभी बड़े शहरों के व्यस्ततम बाज़ारों में फुटपाथों पर भी अक्सर दिखाया करते थे देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ जिन लोकप्रिय व्यवसायियों का लोक से विलोप होना शुरू हुआ उनमें से हस्तरेखा ज्ञान भी शामिल है फिल्म राधे श्याम की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे हाथ की लकीरों में आना वाला संसार दिखता है वो एक भारतीय परंपरा का विशिष्ट वाहक है और विदेश में उसका अपना सितारा काफ़ी बुलंद है फिर उसे मिलती है प्रेरणा भावों के भी और अनुभूतियों की भी प्रेरणा उसे आकर्षित करती है दोनों की जुगलबंदी बनने में समय लगता है उनके हाथों की लकीरें एक पाई गई हैं चलते हुए जीवन के दो अलग अलग ध्रुवों पर निकल जाएंगी इसी उधेड़बुन में फिल्म राधेश्याम की कहानी दर्शकों को बांधने की कोशिश करती चलती है निर्देशक राधाकृष्ण कुमार मूल रूप से कलम के धनी हैं। तेलुगु फिल्मों के संवाद लिखने के दौरान ही उन पर फिल्म, फिल्म, फिल्म राधे कृष्ण पर बड़ा दांव लगाया बाहुबली की शूटिंग के दौरान प्रभास जब एक्शन फिल्मों से हटकर कुछ रोमांटिक सा कुछ हल्का फुल्का सा करने के मूड में थे तो उन्हें राधे श्याम की कहानी सुनने को मिली राधा कृष्ण कुमार ने कुछ कुछ चर्चित लेखक के विजेंद्र प्रसाद के सूत्र अपनी इस नई फिल्म को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो किरदार से पहले उसके आसपास का वातावरण रचते हैं लेकिन विजेंद्र प्रसाद की खूबी यह है कि वातावरण उनके सभी किरदारों की कलाकारी का मंच तैयार करते हैं फिल्म राधे से आमेर राधा कृष्ण कुमार की रची दुनिया से उनके सभी कलाकार एक रूप में नहीं हो पाते वो स्पेशल इफेक्ट्स से पर्दे पर चकाचौन तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन इस चकाचौन में फिल्म के सहयोगी कलाकार बार बार धूमिल होते रहते हैं हाँ फिल्म के हीरो प्रभास के किरदार विक्रमादित्य पर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने खासी मेहनत की है प्रभास भी अपनी रोमांटिक छवि गढ़ने की यहाँ पूरी कोशिश करते दिखे हैं फिल्म में हास्य और उल्लास प्रस्तुत करने वाले दृश्यों में वो काफ़ी सहज भी बन पड़े हैं प्रभास की कदकाठी सामान्य नहीं है उनका ढील ढोल देवी है उनके हाव भाव और उनकी देह भाषा भी किसी बा बलशाली पुरुष का भाल देती है ऐसे में उन्हें पूजा हेगड़े जैसे नाजुक के प्रेमी के तौर पर देखने हिंदी दर्शकों के लिए मेहनत का काम है फिल्म देखते हुए मन को बार बार समझना होता है कि पर्दे पर दिख रहा कलाकार महिष्मति का बाहुबली नहीं वो आदि पुरुष का राम भी नहीं वो विक्रमादित्य है इसे समझने में ही फिल्म का आधा हिस्सा चला जाता है पर्दे पर बदलती बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ मध्यांतर तक आते आते फिल्म की कहानी समय पर आती है समुद्र के विकराल रूप को पर्दे पर देखने से दर्शक विकसित और विषमत हो भी जाते हैं पर दर्शकों को ये कहानी असली सी नहीं लगती यही फिल्म राधेश्याम की सबसे बड़ी कमजोरी भी है प्रभास की मेहनत फिल्म में साफ दिखती है वो अपना असर छोड़ने में भी कामयाब हैं लेकिन पूजा हेगड़े एक बार फिर बड़ा मौका मिलने के बावजूद चूक गई हैं नया राम दृश्यों के बीच वो अपने चरित्र की मनोभावनाएं उजागर करने में चूकती हैं सितारों के सहारे टंगी एक प्रेम कहानी में जिस आवेग और उद्देग की जरूरत उनके अभिनय में की थी उनका संवेक उनके अभिनय से गायब है फिल्म की दूसरी कमजोर कड़ी इसके सहायक कलाकारों में सचिन खेड़कर व मुरली शर्मा को छोड़कर दूसरे कलाकारों को बेहतर मौका न मिल पाना रहा है कहानी के हिसाब से उनके किरदार ढंग से नहीं गढ़े गए हैं भागश्री से बड़े पर्दे पर वापसी पर इसे कहीं बेहतर करने की उम्मीद पर हिंदी सिनेमा को हो रही है फिल्म के हिंदी संस्करण के संगीत को छोड़ दें तो फिल्म राधे श्याम की बाकी तकनीकी टीम बहुत कमाल की है सिनेमाटोग्राफर मनोज परमहंस ने पर्दे पर एक अद्भुत कल्पना लोक रचने में कामयाबी हासिल की है यूरोप की ए अब तक की सबसे कलाकारी भारी पर्टन सो रील भी दिखती है उनका कैमरा कहानी के साथ चलता है वह भले दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ने में ज़्यादा सफल ना रहा हो लेकिन अपने निर्देशक की कल्पना को पर्दे पर उतारने में उनका कैमरा सिनेमा के कैनवास पर कूची सा फिसलता चला है कोटागिरी बेंकेटोसर राव ने फिल्म के संपादन में अपना कौशल फिर से दिखाया है वो दक्षिण के सबसे काबिल फिल्म संपादकों में शुमार हैं उनका संपादन फिल्म को गति प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफल भी है एस थामन का पर्श संगीत इसके तेलुगु संस्करण के हिसाब से और हिंदी भाषी दर्शकों की संगीत रुचि के अनुसार वांछित प्रभाव पैदा नहीं कर पाता राधेश्यामी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है यह फिल्म उन्नीस के आसपास की कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज अपने शिष्य विक्रमादित्य पैन इंडिया फिल्में इन दिनों सफलता का नया फार्मूला बन गई हैं राधे श्याम की रिलीज भी इसी फार्मूले को भुनाने वाली थी फिल्म का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास की मौजूदगी है भव्यता से भरे दृश्यों की भरमार है लेकिन यह सब भव्यता साथ मिलकर भी फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाई क्योंकि कहानी बहुत खोखली सी है राधे श्याम की पीरियड ड्रामा फिल्म 1976 के आसपास कहानी शुरू होती है फिल्म अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से शुरू होती है उसके बाद गुरु परमहंस सत्यराज और अपने शिष्य विक्रमादित्य प्रभास के बारे में सभी को बताते हैं कि वह एक प्रसिद्ध ज्योतिष है जिसे भारत का नास्त्रेदमस कहा जाता है वह लोगों की हाथों की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वो बताता है कि वो भारत में भविष्य में आपातकाल लगा देंगी कहानी इतन, फिर इटली चली जाती है विक्रमादित्य का मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो सौ प्रतिशत सही होता है दूसरी ओर उसके गुरु परमहंस यानी कि कृष्णम राजू की अलग सोच है उन्हें लगता है कि ज्योतिष निन्यानवे परसेंट तक भविष्यवाणी कर सकती है सौ परसेंट नहीं परमहंस का सोचना है कि एक परसेंट लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं और इतिहास रचते हैं लेकिन विक्रमादित्य इन बातों को नहीं मानते इटली में विक्रमादित्य की एक ट्रेन में प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े से मुलाकात होती है और पहली नज़र वाला प्यार भी हो जाता है वो एक डॉक्टर हैं लेकिन एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं विक्रमादित्य ने उसकी हथेली हाँ को देखता है और भविष्यवाणी करता है कि उसकी उम्र सौ साल की है लेकिन विक्रमादित्य प्रेरणा से प्यार करने के बावजूद उससे दूर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो प्रेरणा से क्या छुपा रहा है प्यार और किस्मत में किसकी जीत होगी यह आगे की कहानी है कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो सेकंड हाफ में खुलता है फिल्म की सबसे खड़ी खामी यह है कि इसकी कहानी जो पर्दे पर इस तरह आती है कि उसमें विश्वसनीय जैसा कुछ भी नहीं लगता सब कुछ खोखला सा लगता है लगभग ढाई घंटे की यह फिल्म कुछ समय के बाद बोरिंग लगने लगती है यह कहा कहानी गलत ना होगा निर्देशक कहना क्या चाहते हैं वो कन्फ्यूज हैं यह बात फिल्म को देखते हुए शिदत से महसूस होती है कहानी में भाग्य और इंसानी जज्बात और जज्बे के बीच का जो द्वंद्व है उसे दर्शाने और स्थापित करने के लिए अधिक घटनाएं या परिस्थिति कहानी में जोड़ने की जरूरत थी सब कुछ ऊपरी सा लगता है फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रभावहीन रहा फिल्म में अभिनय की बात करें तो अब तक प्रभास हिंदी दर्शकों से लार्जर देने लाइव अवतार में ही नज़र आए और इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और उनकी कोशिश फिल्म में नजर भी आई है पूजा हेगड़े भी अपने अपने किरदार में जची हैं लेकिन पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल गायब सी है जो किसी भी रोमांटिक फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत होती है फिल्म मैं इन्हीं दोनों किरदारों पर फोकस है बाकी के किरदारों की कहानी में महत्व ही नहीं दिया गया है मुरली शर्मा कुणाल कपूर राय भाग्यश्री को करने के लिए फिल्म में कुछ खास नहीं था फिल्म के गीत संगीत पैन इंडिया की दूसरी फिल्मों की तरह वो भी रीजनल अंदाज में हैं गानों की पिक्चराइजेशन जरूर अच्छी बन पड़ी है लेकिन वो प्रभावित नहीं करता यही बात फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी कही जा सकती है फिल्म की यू इसका विजुअल इफेक्ट्स है सिनेमाइटोग्राफी के लिहाजा से यह फिल्म बेहद खास है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है फिल्म के संवाद कहानी के अनुरूप हैं कुल मिलाकर यह फिल्म इस बात को फिर से साबित करती है कि बजट से ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट किसी फिल्म की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कई बार फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं बजट के नाम पर नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं प्रमोशन भी ऐसे किया जाता है कि आज से पहले अपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा लगाया तो मतलब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी बी एफ एक्स सुपर से भी सुपर हो जाएगी प्रभास को जो नई फिल्म है राधे श्याम उसको लेकर भी ये सब कहा गया था रिलीज़ तो पहले साल होनी थी लेकिन कोरोना ने लेट कर दिया अब 350 करोड़ के बजट में बनी डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार की राधे श्याम रिलीज हो गई है तो देखना तो बस ये है कि 350 करोड़ रुपये मेकर्स ने आखिर खर्च कहां पर किए हैं और क्या ऐसा कुछ कमाल किया है कि इस फिल्म ने कि इस, इसको सालों तक याद रखा जाए आइए जानते हैं राधे श्याम उन दो प्यार करने वालों की कहानी है जिसे हाथ की लकीर शायद कभी ना मिलने ना दे जिसे किस्मत हमेशा एक दूसरे से अलग करने की साजिश करे एक विक्रम आदित्य प्रभास और उसका प्यार है प्रेरणा पूजा हैंगडे विक्रम हाथों की लकीर देखकर भविष्य बता देता है फिल्म ने कई बार हमें बताया है कि इनसे सटीक भविष्य आज तक किसी ने नहीं बताया है ये जनाब तो पहले से ही जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसी भविष्य जानने वाली शक्ति ने बिक्रम को बता दिया कि उसकी जिंदगी में प्यार ही है ही नहीं फ्लड कर सकता है लेकिन किसी से प्यार नहीं कर पाएगा दूसरी तरफ खड़ी है प्रेरणा पैसे से डॉक्टर है अब इन हाथ की लकीरों में कोई विश्वास नहीं जताती है यही है पूरी फिल्म का फ्लड एक हाथ की लकीरों को जिंदगी की सच्चाई मानकर चलता है तो दूसरी तरफ सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास जताता है बीच में भी आई कई घटनाएं होती हैं दोनों प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन फंडा वही है एक लकीर के चक्कर में उस प्यार को समझ नहीं पाता तो दूसरा उस प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है अब हाथ की लकीर सच निकलती हैं या प्रेरणा के कर्मों पर विश्वास दो प्यार करने वालों क्या साथ आ पाते हैं या नहीं विक्रम की भविष्यवाणी सच होती है या गलत इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे राधे श्याम मूवी सिर्फ बड़े बजट से कुछ नहीं होता थोड़ा फ्लैक्स बैक में चलते हैं साल 2017 में प्रभास की फिल्म आई थी साहो बजट था 350 करोड़ वही जो राधे श्याम का भी है उस फिल्म को लेकर कहा गया था कि ऐसा एक्शन है कि कभी पहले आपने नहीं देखा होगा लेकिन एंड रिजल्ट किया था फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई लोगों ने निष्कर्ष निकाला इसे कहते हैं पैसे में आग लगाना अब प्रेजेंट में आते हैं राधे श्याम भी मेकर्स ने बड़े ही अच्छे से सजाया है सारा पैसा या तो सेट पर खर्च किया गया और जो बचा है वो बी एफ एक्स में लग गया है लेकिन दर्शकों का क्या मिला सिर्फ बोरियत बिना कहानी वाली एक बेमेल केमिस्ट्री बिना सिर पैर वाला एक बी एफ एक्स जिसको मेकर्स भी जस्टिफाई नहीं कर पाए मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी आंखें तरस जाएंगी सिर्फ यह देखने के लिए कि ये कहानी क्या है स्क्रीन पर तो काफ़ी कुछ हो रहा है कभी ट्रेन में प्रवास रोमांस कर रहे हैं कभी अस्पताल में डॉक्टर बनी पूजा रोमांटिक हो रही हैं लेकिन इस सब का लिंक किया है किसी को नहीं पता शायद मेकर्स भी कनेक्ट करना भूल गए हैं पहला हाफ फिल्म को स्लो है सिर्फ इतना बताया गया है कि विक्रम इंडिया के नंबर वन प्लामिस्ट हैं कुछ लोग उनसे भविष्य पूछने आते हैं इंदिरा गांधी भी हैरान मत होइए ये फिल्म ही ऐसी है यहाँ सब कुछ दिखाया गया है फिल्म का जब दूसरा हाफ आता है कहानी जो स्लो चल रही थी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है स्लो के साथ उदासी वाला फैक्टर भी जुड़ जाता है मतलब दर्शकों के लिए कुर्सी पर बैठे रहना मुश्किल हो सकता है प्रभास ने किया निराश पूजा बेदम चलिए एक्टिंग की भी बात कर लेते हैं आखिरकार 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं एक ही एक्सप्रेशन एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई है बड़ी बात यह है कि उनकी हिंदी वाली डबिंग भी खुद की गई है अब वैसे तो इस डिडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए लेकिन फिल्म के लिहाजा से ज़बरदस्त नुकसान भी हुआ है प्रभास के हिंदी संवाद काफ़ी सपाट हैं कोई फिली फीलिंग नहीं कोई इंसेटिंग नहीं सिर्फ बोल दिए गए हैं पूजा हेगड़े है राधे श्याम की रीड एक्ट्रेस हैं उनका काम भी औसत ही रहा है हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफ़ी बेहतर हैं लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा रंग नहीं लाई है मेकर्स ने कोशिश पूरी की एक लार्जर देन लाइफ प्रेम कहानी बनाने की लेकिन एक बार भी कोई कनेक्ट फील नहीं हुआ वो वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी हैं भागश्री सचिन खेड़कर और जगपति बाबू लेकिन किसी का भी करेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया सेंस भी नहीं बना राधे श्याम मूवी में कहाँ कर गए सबसे बड़ी चूक राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं है लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना ये सब काफ़ी खटकता है फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में कई साल लग गए हैं उनकी कई कई सालों ने इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही वास्तुकता भी कोसों दूर गई है इस कमजोर कहानी का असर भारत का नास्त्रे दमस कहा जाता है क्यों कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है फिल्म की हीरोइन प्रेरणा यानी कि पूजा हेंगड़े एक डॉक्टर हैं जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है विक्रमादित्य उससे प्लाटिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है यह सुन प्रेरणा के चाचा यानी कि सचिन खेल कर नाराज होते हैं और उसे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करने के लिए कहते हैं भविष्यवाणी सच होती है या नहीं इसके लिए क्लाइमैक्स का इंतजार करना पड़ता है फिल्म का पहला घंटा झेलना